टीवी पे सब क्लियर दिख रहा है? ओके सर। हाँ अरे अरे अरे, इतना पलटना पड़ता है लाइफ में। तो हम लोग आ गए भाई इंटरमीडिएट में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, जोश नहीं आया सुबह का, लग ही नहीं रहा मेरे को। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, हाउस द जोश। वो फील नहीं आया अभी तक, हाउस जोश। हाँ हेलो, नहीं आ रहा बोलो कुछ। हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, आप कितने जोर से बोलोगे? बहुत जोर से सर, इतने जोर से। हाँ कौन अरे उसको छोड़ो, सा? ये तो यार करके ठीक है। एक इसका, एक उसका। ठीक है, अभी एक से पढ़ा देता हूँ फिलहाल। OBS वर्चुअल कैमरा ऑन। अरे इतना लेट तक आते हैं यार, ये गलत बात है, बहुत लेट तक है। जब मैं बहुत थक जाऊंगा तो मैं चेयर ले लूंगा। जितने भी बच्चे यार ऐप और वेब से जुड़े हैं, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बता देना फटाफट। और यहाँ पे भी हम देख लेंगे कुतुब। वार्म अप वाले कितने बच्चे वार्म अप वाले? तो ये जो आज तुम लोग थोड़ा बहुत बेसिक देखने वाले हो, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी वार्म अप में थोड़ा सा देखा है, बट उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, उससे आगे होने वाले बात करेंगे। भाई वॉइस आ रही थी यूट्यूब पे, वॉइस क्लियर है, चेहरा कैसे दिख रहा है? चारों क्या हुआ? ऋतिक अच्छा, नहीं पूरे बॉडी का, इसे चेहरे का पूछा था मैंने। तो नमस्कार, आप सत श्री अकाल भाई, तो देखे सर जी, बहुत बहुत स्वागत है सीएम इंटरमीडिएट की जर्नी में। कैसा फील हो रहा है? कुछ कुछ हो रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी फिलहाल कुछ कुछ से शुरू किया है, बहुत कुछ होना बाकी है। आगे थोड़ा सी इंटरमीडिएट को देख लेते हैं घूर के। ये देखो सेम कपड़े इसलिए पहन गया ताकि तुम मेरे को पहचान लो वंस एंड फॉर ऑल। और दूसरी बात ये है कि पुणे में मैं तो यही कपड़े लेकर आया हूँ। कैसे हो मैम? हमारे सुपर टैलेंट है, वार्म अप बैच में हमें हमें अपना टैलेंट दिखाया था। अगर आप लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा मिमिक्री करते हैं। आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? डोरेमोन। जो वार्म अप क्लास के बच्चे उन्होंने देखा तो उनको पता है, बाकी बच्चों को जो अभी पैसा भरा है तो उनको भी मैडम आप थोड़ा सा दिखाएंगे मेरी क्लास में। मेरी क्लास में पहले से नहीं होंगे, उनको थोड़ा मूड में आ गया, थोड़ा एक दो कल्चर पढ़ने तो फिर वो बराबर कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई मस्ती करते करते हम लोग पढ़ने वाले हैं। वॉइस थोड़ा खराब है भाई, मेरी बात कर रहे हैं यार, वॉइस थोड़ा खराब है। नहीं मतलब क्या, बेइज्जती करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था आपका, नहीं करते तो भी चल जाते हैं। चलो ठीक है, अभी थोड़ी अच्छी हो जाएगी बस। तो भैया मेरा नाम है सी आदर जोशी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। मैंने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोड कर दिए, वो फालतू बातें करके मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन में दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉस, और इंटर में पढ़ाता हूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पे आज हम बात करेंगे, चर्चा। मुझे बताओ सीए इंटर में कितने सब्जेक्ट्स हैं? ऐसा एडवांस अकाउंटिंग सुनना है आपको? दूसरा क्या है? अपन क्या पढ़ रहे? ओके, इसके बाद क्या है? उसके बाद क्या रहेगा? इधर ग्रुप चेंज हुआ क्या? ग्रुप चेंज हो गया क्या है? यूट्यूब पे आवाज धोखा दिया जा रहा है मेरे को, पैसे खा के बैठे सब। ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उनके उसके बाद क्या है? तो बता रहा हूँ,
सारे सब्जेक्ट्स में फिलहाल था कर सकते कॉर्पोरेट एंड अदर कॉस्टिंग कंपेयर्ड टू सिलेबस ये हम टोटल अपना सिलेबस कर रहे हैं बस हमें देखें टोटल अपना सिलेबस इतना ही है अभी देखो अभी हेलो 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 मतलब वॉइस में हो क्या रहा है बताओ ना थोड़ा सा खराब इन द सेंस जी डी सर हाँ मोहित सर भी बोल रहे थे और होगा मतलब ठीक हो रही है हेलो 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 ये इसकी तो हमें गाना गा देता हूँ तो जेडी सर आप हमें आप कॉर्पोरेटर दर लॉ पढ़ा लीजिए जेडी सर एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है देखो यहाँ पे टेक्निकल और लास्ट की वाला पहले तो कमाल है जी सर अभी देखो यार आवाज क्लियर है क्या आप गिर रहे हो तो ब्रेक इसको मैं रख देता हूँ सर से पूछ हेलो 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 बेटा मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ बोला था ना वॉइस क्लियर मिलेगा अभी देखो यार क्लियर है क्या अभी देखो यस सर क्लियर बोला एक ने ईस्ट और वेस्ट जेडी सर इज बेस्ट एक बार जोरदार तालियां जेडी सर के लिए हो जाए एक बार जोरदार थैंक यू सो मच सर देखो 500 रुपए दे दो अच्छा सर अच्छा ओके क्लियर हो गया आवाज जेडी सर ने अपना मैजिक कर दिया भाई अब मैं हिल भी सकता हूँ सो आई हैव गॉट द पावर ऑफ मूवमेंट नाउ तो भैया ये हमारा पूरा सिलेबस है सी इंटरमीडिएट का ठीक है जीडी सर एसी कर लेंगे लेकिन आपको ये करना बहुत जरूरी है ठीक है नया डूब ना जाएगा देखो तो भैया सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ में कितने चैप्टर दिख रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ में कितने चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर देखो क्या है ऐसे इसको देख के कुछ समझते हैं कि ना क्या हो रहा है बेसिकली मैं आपको बता दू ये चैप्टर हमने वार्म अप पे भी नहीं किया था उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले इस पूरे चैप्टर में सिर्फ कंपनीज एक्ट की इतनी चीज बताई कि इसका नाम क्या है किसके ऊपर लगता है और कुछ डेफिनेशन कुछ टर्म्स बताइए जो हमें पता होने चाहिए अब बेस्ट पार्ट क्या है पता है चार चार मार्क के क्वेश्चन इस पे पूछ लेते हैं अच्छे अच्छे डेफिनेशंस है इसके अंदर जो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो जो प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे ना बहुत सारे बच्चे इसको रिस्पेक्ट नहीं देते ना अपने लैंग्वेज में तो इज्जत नहीं मिलती इस चैप्टर को जबकि मिलनी चाहिए ये आपको फ्री के मार्क्स देंगे जो आप लोगों ने बीसीआर पढ़ा था ये यहाँ का बीसीआर है ये फोकट में मार्क्स देने के लिए बैठा है पर इसको इज्जत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसको तो आज हम इसको इज्जत से पढ़ेंगे 500 मांग रहे हैं सर करोड़ लगाना भूल गया भाई अच्छा इसके बाद वाला चैप्टर क्या दिख रहा है आपको दोस्तों ऐसा मत करो सुनो क्या होगा मालूम क्या मेरे को मेरे जोशी के अंदर जोश नहीं रहा ना तो नाटक हो जाएंगे पूरे इसके बाद का चैप्टर कौन सा दिख रहा है क्या करेंगे इसमें आप सोच उड़ के क्या करना है इसमें कंपनी को इन्वॉल्वमेंट करेंगे ये हमारा सीए फाउंडेशन में जो हमने पढ़ा था ना सब टाइप्स ऑफ कंपनीज वो छोटा सा प्रोसेस पढ़ा था एमओए एओए और फिर पूरा सेवन स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पर दोबारा आने वाला है लेकिन थोड़ा और डिटेल में इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद का चैप्टर बताओ यहां से तुमको अपनी जिंदगी में पता चलेगा कि हाँ तुम इंटर में आ रहे हो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग ऑनलाइन भी देखेंगे कुछ प्रोस्पेक्टस होते हैं आपने सुना है क्या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एवरेज प्रोस्पेक्टस सुना है हम देखेंगे उनको कैसे बनाते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में पेट दुख रहा था क्या कि सडनली नया कंसेप्ट डाल दिया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो हम लोग सोचते ना साइंस में कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा सिलेबस ही बढ़ाया गया है ऐसा नहीं ये तो नहीं कर रहे कि सिर्फ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस निकाल देते कि हमारा सिलेबस बढ़ जाए या रियल वर्ल्ड में भी वो यूज होता है हम लोग देखेंगे इनफैक्ट लेट मी टेल यू मैक्सिमम जगह पे रियल वर्ल्ड में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यूज होता है उसका रीजन भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे इसके बाद कौन सा चैप्टर है भाई साहब इसमें शेयर कैपिटल टाइप्स ऑफ शेयर उनके रिलेटेड इश्यूज के रिलेटेड रूल्स
डिबेंचर्स के रिलेटेड रूल्स, ये चैप्टर भी टेक्निकल है बट प्रोसेस बेस्ड है थोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारी जिंदगी एकदम मस्त हो जाएगी, बताओ क्यों? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर इन योर एंटायर कॉर्पोरेट मैनेजर। मतलब ये चैप्टर चालू होता तुम सोचते अगले दिन डाउट पूछूंगा, चैप्टर खत्म हो जाता। अच्छा बाय द वे, मैं क्लास में तुमको पहले बता दूं क्योंकि तुम लोग सीरियस दिख रहे, मेरे को एकदम पीछे पीछे में बैठे एकदम, इसलिए बता रहा हूं। हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा, हर चैप्टर के बाद, और टेस्ट रहेगा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव टेस्ट बोले तो चैप्टर वन कंप्लीट, चैप्टर वन पे टेस्ट, चैप्टर टू कंप्लीट तो चैप्टर वन एंड टू पे टेस्ट, चैप्टर एट कंप्लीट हुआ तो वन टू एट पे टेस्ट। फोकस मोर विल बी ऑन द लेटेस्ट चैप्टर्स, बट क्यूमुलेटिव टेस्ट लेने का रीजन मैं आपको बताता हूं। इतना जबरदस्त सिलेबस है भाई साहब तुम्हारा, इतना जबरदस्त, इसको लिमिट नहीं है। मतलब एक दरिया है जिसमें आप डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, डूबते ही चले जाओगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि ऊपर किधर है। तो हम क्यूमुलेटिव टेस्ट करेंगे, मतलब क्यूमुलेटिव टेस्ट की वजह से क्यूमुलेटिव रिविजन्स होगी, और क्यूमुलेटिव रिविजन्स की वजह से ये चैप्टर एकदम फुद्दू सा लगने लग जाएगा। लगेगा, रहता नहीं है फुद्दू, मार्क्स नहीं देता हो, हाँ ऐसा फुद्दू लगता है नहीं। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तुमको पता है लोग लोन लेने जाते तो आगे वाला क्या मांगता है? असेट दो। सुना हवले मेरे पास असेट रहता, मैं लोन मांगने आता क्या तेरे से? मतलब तुम सोचो कितना, मतलब मैं गया लोन लेने, बोलते कोलैटरल में आप क्या देंगे? भाई मेरे पास अगर होता तो मैं तेरे सामने हाथ भी पर, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है। अब कंपनीज भी लोन लेने जाती है, उनको बोलते नहीं पहले अपने असेट हमको दे दो। होम लोन लेने जाते हैं, आपने होम लोन लिया किसी ने? घर पे तो लिया होगा ना, घर पे लिया होगा किसी ने, है ना? लिया है ना? सबसे पहली बात पता है क्या होती है? वो घर आपका रहता ही नहीं, 30-30 साल के लिए किसका रहता है? बैंक का। मतलब जो चीज अपन ले रहे हैं, जिसके लिए लोन ले रहे हैं, वो चीज अपनी नहीं है, बैंक की है। अपन तो सिर्फ ईएमआई भर रहे हैं। कल को तुमने ईएमआई भरना बंद कर दिया तो क्या होगा? सच में मजाक नहीं, निकाल के ले जा सकते। तो भाई कंपनी को अगर असेट, मतलब अगर गिरवी रख के लोन लेना है तो चार्जेस रजिस्टर करने पड़ते हैं, और वो एमसीए के वेबसाइट पे जाएंगे। अब बच्चे पूछेंगे सर एमसीए को इससे क्या लेना देना है? तो कुछ महान लोग थे जिन्होंने, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास एक मशीन है, उसको उन्होंने लोन ले लिया 5 लाख का SBI बैंक से। वही मशीन के पेपर लेके अब वो गए HDFC में, फिर उठा लिया उन्होंने 3 लाख का लोन। अब वही मशीन लेके वो चले गए बैंक ऑफ बड़ौदा में, उठा लिया उन्होंने 2 लाख का लोन। अब क्या कर दिया? हाथ खड़े कर दिए, नहीं भरना है, असेट ले लो, बेच के खा लो। अब मेरे को बताओ, एक असेट 5 लाख की, 3 जगह से ऑलरेडी लोन लेके बैठे हैं। अब तीनों बैंक बोल रहे नहीं पहले मैं मेरा पैसा लूंगा, पहले मैं मेरा पैसा लूंगा। अब किसको पैसा मिलेगा? नुकसान किसका हुआ? अपना। बैंक को कौन फंड करता है भाई? बैंक डूबे, डूबने देते क्या बैंक को? कौन फंड करता है? आरबीआई। आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स मनी। टैक्स कौन भरता है? क्यों क्यों पेट दुखा जब लोग भाग के गए इंडिया से? क्योंकि वो पैसा अपना है, समझ रहे हो ना? कुछ चंद लोग ऐसे बेवकूफ बना रहे थे, तो हमने बोला ना ये सब नहीं चलेगा, मैं नहीं खेल रहे वाला गेम। अभी तुमको अगर कोई भी लोन लेने का है, असेट रजिस्टर करो, हमको चार्जेस ऊपर दिखने चाहिए ऑनलाइन, ताकि सेम असेट पे दोबारा कोई और लोन ना ले सके। अच्छा लगा लॉजिक? यही तो पढ़ाना है, इसका पैसा लिया मैंने फायदे में। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? एडमिन और मैनेजमेंट। पुनीत यूट्यूब पे एडमिन और मैनेजमेंट बताओ भाई। कार्तिक शशांक नेक्स्ट चैप्टर है। अब ये ना बहुत, मतलब ये एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है, इसको ना बोलते ना मिसलेनियस कैरेक्टराइजेशन कर दिया है। इसके अंदर बहुत सारे मिनी चैप्टर्स है, वो बहुत सारे मिनी मिनी चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कौन सा रजिस्टर? तो हर चीज का रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, बेनिफिशियल शेयर होल्डर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होल्डर, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स है। फिर मीटिंग्स के बारे में, वोटिंग के बारे में, आपको पता ना मीटिंग होती है कंपनी में? क्या पता है कि नहीं? क्या बोलते उसको, कौन सा मीटिंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एजीएम। एजीएम का फुल फॉर्म क्या है? साल में कितनी बार होती? तभी तो सर उसको एनल ई क्या है, सर चाय भी खाया है। अच्छा तो मीटिंग होती है तो उसमें वोटिंग होता होगा ना? कैसे होता है? ऐसे ऑल दोज इन फेवर ऑफ दिस रिजोल्यूशन रेज योर हैंड, करो रेज हैंड। अरे नहीं हुआ, फेवर लॉस्ट, वापस करते हैं, ठीक है? आज का क्लास जल्दी छूट जाना चाहिए। All those in favor of this resolution, raise your hand. आज के क्लास पूरा मतलब 10 बजे तक चलना चाहिए। All those in favor of this, raise your hand. ये क्या है बताएगा? Poll by hand. ये पढ़ने वाले हम लोग, सच में
इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे पोस्टल बैलेट। कल मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मैंने एक रील बनाया था पोस्टल बैलेट पे, तो बच्चा बोलता है सर बस ये रील देख रहा था, ईमेल आ गया पोस्टल बैलेट के लिए। तो मतलब रियल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है हम पूरा वही पढ़ने वाले, पूरा ना ये सिलेबस इतना परफेक्टली पॉइंट है कि हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो रियल वर्ल्ड में हम देखेंगे। और मैं दिखाऊंगा, डरो मत, बहुत टाइम है मेरे पास। इसके बाद है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पूरी जिंदगी कंपनी इसके लिए काम कर रही है, काय के लिए? डिविडेंड के लिए। डिविडेंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। मुझे बताओ कंपनी के लिए डिविडेंड देना अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी? अच्छा क्यों? ऐसे बोल दो ना, क्या शर्मा क्या है? शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा तो शेयर होल्डर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर बोनस शेयर दे दिया तो उनको एक्स्ट्रा शेयर भी मिल गया और हमको कंपनी में पैसा भी मिल गया। और कोई रीजन? या तो बोलना चाहो बुरा होगा कंपनी के लिए, कोई है बुरा होगा? बुरा होगा भाई, क्यों बुरा होगा? कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ये करती है, बेशर्मों की तरह नहीं देंगे डिविडेंड। शेयर लेना है लो, नहीं लेना है पढ़ में जाओ, बहुत बैठे हमारे नहीं दे रहे डिविडेंड, और उनके शेयर की प्राइसेस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। क्यों? उनका ना कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम तेरे को डिविडेंड देंगे, तुम क्या करोगे? एफडी 5.6% इंटरेस्ट है बराबर एफडी में, किसी को पता है? नहीं पता। चल म्यूचुअल फंड में डालेंगे, कितना मैक्स आ सकता है तुमको म्यूचुअल फंड में? 10% 20, चल 40% आ गया तुमको, ठीक है बहुत उड़ की टक्कर 40%। कंपनी बोल रही है 160% से रिटर्न ला रहे हैं। अब बोलो मैं 1 रुपया डालता हूं मेरे को 160 रुपए कमाता हूं, मैं बोलो तुम इससे ऊपर ला सकते हो? अपने को डिविडेंड लेके मतलब है क्या? क्या बोलते पता है इन्वेस्टर्स? रख ले तू तेरा पैसा, तू ही ले, तू ही कमा, तू ही इन्वेस्ट कर, तू ही और खर्चा कर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या मिल रहा है? कैपिटल एप्रिसिएशन। जो शेयर मैंने आज 100 रुपए का लिया था, आज से 6 महीने बाद अगर वो 180 का है, और क्या चाहिए तुम? क्या करोगे तुम डिविडेंड का 2 रुपए लेके? डिविडेंड कितना मिलता है मालूम तुमको? 1 रुपया 2 रुपया उड़ के टक्कर मार के, तुम्हारे 100 रुपए 100 शेयर है तो तेरे को 100 रुपए डिविडेंड है। तो ताजमहल भी नहीं आता उसमें, ताजमहल का टिकट नहीं आता यार 100 रुपए में, क्या करेंगे अभी? चलो ये भी सही है। अच्छा इसके बाद वाला क्या है भाई सीन? अकाउंट्स ऑफ कंपनी या इंजुअल पढ़ाया गया है ना, अकाउंट्स है ना, तो मैं इसमें अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा। जिसने मेरे को मतलब अकाउंटिंग एंट्री पूछा फिजिकल क्लास वाले को मैं बाहर स्टैंड अप करा दूंगा और जो ऑनलाइन वाले रहेंगे वो अपने घर पे स्टैंड अप कर लेंगे। अकाउंटिंग एंट्री नहीं पूछने का। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में हम लोग देखेंगे कौन से टाइप के अकाउंट्स कंपनी मेंटेन करती है, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। ऑनलाइन जाता होगा ना आपको अकाउंट सारा, ऑफलाइन होता होगा क्या कंपनीज का अकाउंट्स? नहीं बता, क्या बात कर रहे हो? सोचो ना, एक ऐसे सोचो, क्या लगता है? रिलायंस से फॉर एग्जाम्पल, उनके पास अकाउंट्स है, बड़े बड़े रजिस्टर बनाते होंगे वो लोग, क्या करते हैं फिर? सॉफ्टवेयर लेते हैं। एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है, टैली भी है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज नहीं करते। कौन कौन यूज करते? देख लिया भाई, आज दिल खुश हो गया। चलो कौन सी कंपनी करती है भाई? एक SAP करके सुना है क्या तुम लोगों ने? SAP 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 सुना है? ERP के बारे में सुना है? नहीं, इट्स SAP SAP जो है ना ERP सॉल्यूशन है। बेसिकली क्या है, एक तो लेट है ये, सबसे अंदर बैठना है, मतलब गजब है यार। SAP ERP सॉल्यूशन है जो बड़े बड़े कंपनीज ऐसे सॉल्यूशंस रखते हैं, इनकी सारी अकाउंटिंग वगैरह ऑनलाइन होती है। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट कर दिया है, अभी हम पढ़ेंगे इसके ऊपर, नोटिफिकेशन भी आया है, बोलते हैं कि ऑनलाइन करो, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू करो। तो हमारे लोग चलो हमें सॉफ्टवेयर लेके, अब वो क्या करते हैं, 1 अप्रैल से लेके 20 मार्च तक कुछ नहीं करते हैं। 21 मार्च पे अकाउंटेंट आता है, फिर वो सारे फाइल्स निकलवाता है और 20 मार्च से चालू होती है अकाउंटिंग एंट्री की प्रोसेस। दनादन अकाउंटिंग एंट्री, बीइंग कैश पेड ऐसा करना चालू कर दिया। अच्छा ये तो बेशर्मी हो गई। उसके बाद ऑडिटर आता है, बोलता है ये क्या गोबर करके रखा हुआ है। अब वो आधी एंट्री डिलीट करवा रहा है, री एंटर करा रहा है, एंट्रीज चेंज करा रहा है। लास्ट 31 मार्च पे इतने एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं जिसकी लिमिट ये अकाउंट उस अकाउंट से सेटल हो गया, इसका डेबिट उसका क्रेडिट, कोई संबंध नहीं। मतलब नरेशन पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे बिंग मजबूरी हैपेंड, दैट्स व्हाई डेबिट गॉट सेटल्ड विद क्रेडिट, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये तो चीटिंग हो रही, ये तो इज्जत नहीं दे रहा यार। तो इनको क्या बोला, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो जिसमें तुम एंट्री एडिट ही नहीं कर सको। बोले ठीक है। अब इन्होंने क्या किया,
एंट्री एडिट करते थे और जो एडिट लॉग होता है ना उसको भी एडिट कर देते थे, फिर एक नोटिफिकेशन आया। अब आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो जिसमें जो लॉग्स होते हैं ना, लॉग्स लॉग्स पता है आपको, व्हेनेवर यू लॉग इन एक आईडी क्रिएट होता है कि ये डेट पे टाइम स्टैम्प क्रिएट होता है, ये डेट पे ये टाइम पे इस बंदे ने इस आईडी से लॉग इन किया था, फिर इस डेट पे इस टाइम पे इस बंदे ने ये वाली अकाउंटिंग एंट्री पास की, ये उसकी अमाउंट थी, ये नरेशन था, ये डॉक्यूमेंट नंबर था, यू कैन नॉट एडिट दैट। अब एमसीए बोलता है ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो जो ये एंट्रीज को एडिट तक ना करने दे। अब आप देखेंगे जो भी आप टैली की बात कर रहे थे, राइट, टैली ने इस नोटिफिकेशन के बाद एक नया, नहीं नहीं कुछ गिरा तो बताना एक नया सॉफ्टवेयर मतलब उसमें अपग्रेड लाया और आजकल हर हर सॉफ्टवेयर में आ गया कि अब आप वो लॉग्स एडिट नहीं कर सकते। ये रियल वर्ल्ड चेंजेस किसकी वजह से आया है, ये चैप्टर है, सच में ये चैप्टर है, इसके अंदर नोटिफिकेशन है, एमसीए ने डाला, उसकी वजह से सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑल ओवर इंडिया हैड टू चेंज। सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी हैज अ ग्रेव इम्पैक्ट इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। हाँ तो मुस्कान से बात कर ले एक बार, फिर मैं आता हूँ कल पढ़ाने तक। मतलब इनका कैसा है ना, सर तो देख नहीं रहे, मुस्कान देख रही है चैट कर लेता हूं मैं वैसे, शर्म करो। हाँ भाई इतना सीरियस में पढ़ा रहा है, यहाँ के साथ सबके चेहरे सीरियस ऐसे, हाँ ऐसा ऐसा होता है, इधर में देखा इमोजिस चल रहे हैं, एक ने ऐसा भेजा तो किससे प्यार हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, अबे जा ग्राहक। हाँ इसके बाद क्या है भाई, ऑडिट एंड, ये तो बोलो ना यार दिल से, क्या है इसके बाद, ऑडिट एंड ऑडिटर, ये है अपना धंधा पानी, ये है। इसमें तुमको पता चलेगा कि अपनी सुपर पावर्स क्या है, अपना बाप कौन है, मजाक नहीं कर रहा, सच में बुरा लगेगा लेकिन अब आपको पता चलेगा, वैसे इसके पहले के इसमें भी आपको पता चल जाएगा अकाउंट्स में, बट एक अथॉरिटी आएगी जिसके बारे में हम बहुत गहरे से चर्चा करेंगे और आपने न्यूज में चर्चा सुनी होगी, एनएफआरए सुना है क्या, जब से वो आई है ना आईसीआई ऐसे बैठे, क्या यार क्या जिंदगी में हो गया, सब सीए ऐसे बैठे। देखो एक जमाना था सीए ऐसे साइन करते थे, है ना, मैं मतलब ऐसे हर सीए को नहीं बोल रहा, कुछ सीए की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ठीक है, वो ऐसे देखते थे डॉक्यूमेंट, फिर देखते थे पैसा, अभी अगर अच्छा पैसा आ रहा है कट कट साइन, पैसा नहीं आ रहा है तो नहीं मैं साइन नहीं करूंगा, देख लो इसमें ये प्रॉब्लम है उसमें वो प्रॉब्लम है, तो कई ऐसे साइंस होने लगे जहां पर कोई सिर पैर ताल नहीं। मतलब मैंने एक कोऑपरेटिव बैंक का बैलेंस शीट देखा जिसमें दोनों साइड के टोटल मैच नहीं हो रहे, कोऑपरेटिव बैंक बहुत पहले की बात है, मैं आगे का चुका भाई, वो असेट एंड लायबिलिटी मैच नहीं हुआ, साइन करके चला गया और उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता, उन्होंने उसको रजिस्टर किया आगे और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, वो बुक छापते कोऑपरेटिव बैंक में बुक छापता, लास्ट में अपना एनुअल रिटर्न होता है ना रिपोर्ट कि अपने हम बताएंगे अपने शेयर होल्डर्स को हमने क्या दिए लगाए, वो बुक भी छापते उन्होंने, वो सर्कुलेट हो गई, हमारे सर के पास एक बुक आई, हमारे सर के पास उस वक्त ज्यादा काम नहीं था तो सर वो बुक पढ़ने बैठ गए और जो गलतियां निकाली भाई उसके बाद सीधा वो सर गए वहां पे जो एजीएम डीजीएम होते हैं सबसे मीटिंग करे और बोला कि देखो आप बताओ नहीं तो हम बता देते बाहर आपकी बैलेंस शीट, तो आए रियलाइज कि यार इतना पढ़ाई करके सीए बने उनसे बैलेंस शीट मतलब एग्जाम में हमसे नहीं हो रही समझ में आता है भाई क्योंकि मैं सीए नहीं हूं तो ठीक है नहीं हुई बैलेंस शीट टैली दो मार्क कम दे दे मैं देख लूंगा सीए बनने का क्या करना है, मैं ऐसा नहीं देखना यार मेरे को बहुत बेकार हालत है। तो ऑडिटिंग ऑडिटर्स ये चैप्टर आया, ऑडिटर्स ने जितने भी बोलते ना हवाई हमले किए थे ये ऐसे सारे इन सबको पकड़ के रखा गया, फिर एनएफआरए आया, एनएफआरए आने का रीजन क्या था, सीए अगर कुछ गलत करता है तो आईसीआई उसको डांटती है, ठीक है, तो अब से फॉर एग्जांपल आपने कुछ गलती की तो आपके मम्मी डांटेंगे गोली मार देंगे क्या आपको, क्या करें, मैथ्स बताओ चलो मैथ्स भाई वो ब्लू टी शर्ट आप बताओ आपने कुछ गड़बड़ किया आपकी मम्मी कितना मारेंगे आपको, बहुत मारेंगे बैट कर लेते ना कभी मूड में रहते चल आपको लेडीज को भी मार पड़ती है नहीं पड़ती कहां गए फेमिनिस्ट ये क्यों मारनी पड़ती क्या ऐसी लड़कियां गलती में पड़ती चप्पल से अब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा यार अभी तक मैं फिर तक वही मार खा रहा हूं कूट देगी ध्रुव बोल कूट देगा ऐसा फील आता है चलिए वो भाई ग्रीन शर्ट आपको भी कुटाई पड़ती नहीं अच्छे बच्चे वैसे लड़की तो है नहीं बोले लड़का है मारनी पड़ेगी तो अच्छा बच्चा होगा नहीं हम बहुत पढ़ते
अब लेकिन गोली नहीं मारे, किसी को मर्डर हुआ अभी तक यहाँ पे बैठे किसी का? व्हाट अ लॉजिकल क्वेश्चन सर, मैं तो डेड बॉडी हूँ। तो हमारी मम्मी है आईसी है, हम लोग ऐसे गुनाह करके जाते थे आईसीए के सामने, तो आईसीए बोलता था ओ गलत साइन कर दिया बेटा, कुछ 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 अगली बार ऐसे नहीं करना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ के टर्म में रेप्रीमांड करना, क्या बोलते हैं अपने हिंदी टर्म में कूट देना, इसको बोलते हैं डांट पड़ेगी। तो इसके ऊपर सेक्शन था आपके, अगर सीए कुछ गलत करेगा ना आईसीआई विल रेप्रीमांड ना, पर आईसीआई कुछ करती नहीं थी। बड़े बड़े केस हुए, सत्यम जैसे केसेस हुए, सुना आपने, वो तो केस बाहर आ गया। अब आप सोचो वो इतना बड़ा केस था बाहर आ गया, ऐसे कितने हजारों केसेस होंगे जो सीएस अपना मस्त दबा के बैठे थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि आईसीआई मे नॉट बी डूइंग दिस प्रोसेस प्रॉपरली, या वी नीड सम अदर फर्दर एक्सटर्नल अथॉरिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। फिर आया एनएफआई, अब उसने आते से ही अपने आप को कोर्ट वाली पावर दे दी, कोर्ट कोर्ट मतलब कोर्ट। एनएफआरए ने अपने आप से मांग के, ये कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको सेक्शन, बोलते हैं मेरे पास कोर्ट वाला पावर रहेगा। अब मैं आपको बता दूंगा छोटा सा पावर कोर्ट का, कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है जो व्हाइट शर्ट में लड़का बैठा ना एकदम लास्ट में, हाँ भाई तुम नाम बताओ जरा, साहित्य, साहित्य। कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है साहित्य, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट नेक्स्ट डेट ये टाइम पे, और आपको जाना पड़ेगा, नहीं गए तो उसके बाद आपको बारात में लेकर आएंगे। सच में अंदर डाल देते हैं, इफ यू, इतना पावर। इसको बोलते हैं पावर टू समन, ऐसे ऐसे पावर्स लेके रखे और बोलते हैं हम क्या करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग इन दिस कंट्री। फट गई हमारे, अब साइन, अब सीए ऐसे साइन करते हैं, हाँ क्या इस पे साइन करूं मैं, ये मैंने क्या ऑडिट पक्का एक बार देख के आओ जल्दी से वापस। अब ऐसा हो गया भाई, अब कहीं पर भी साइन नहीं चलती। अब अगर साइन गलत हुई, अब मम्मी नहीं आने वाली बचाने, अब कौन मार रहा है, पापा भी नहीं, पापा के मर्डर कर देते तो मतलब अभी पड़ोसी के अंकल है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये घर में डंडा लेके आते और बेटा ये अब ये कूट सकते हैं, अभी बेरहमी से कूट सकते हैं। तो एनएफआर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, ये जबरदस्ती डाल दिया उनको, क्या लगा उन्होंने ऐसा वजन किया, नया सिलेबस बनाया, ऐसा वजन किया लॉ का, बोला हल्का क्यों लग रहा है, फील नहीं आ रहा वो क्या। और दूसरा क्या होगा, 11 का आंकड़ा बन गया था, तो उन्होंने बच्चों को लगेगा ऐसे क्या 11 का बख्शीश दिया टाइप, तो बोले एक और करते हैं। तो उन्होंने बस एक छोटा सा चैप्टर ऐड किया कंपनी इनकॉर्पोरेशन इंडिया, एक कंपनी पढ़ा होगा फॉरेन कंपनी आपने, इसके अंदर थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। फॉरेन कंपनी के अलावा भी कुछ डिटेल्स इसमें हम पढ़ेंगे। डू यू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कंपनी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पता है आपको क्या डिफरेंस है, सोचो ना। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पता है किसी को, बताओ फिर क्या है, हाँ बोलो भाई प्लीज, हाँ बिल्कुल भाई खड़े टेबल पर खड़े तुमने, क्या है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस, इतना ही है या उसके आगे है एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया, बराबर। तो फॉरेन कंपनीज ऐसे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है जिनका इंडिया में ऑफिस है। अच्छा ये ऑफिस फिजिकल होना जरूरी नहीं है, तुम अपनी वेबसाइट से भी इंडिया में सेल करे तो पकड़े गए, ठीक है। ये जो कंपनीज है इनके तो ऑफिस नहीं है ना, ये तो टोटली कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उनके भी रिस्पेक्ट में इसमें रूल्स है, बहुत मजेदार रूल्स है, पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन बहुत छोटा और बहुत क्यूट सा चैप्टर है। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, जोर से बोलना एकदम, किस किस को गिल्ट फीलिंग आया पहले तो हाथों पर कर दो, छोड़ दिया था पूरा छोड़ा, किस किस ने एलएलपी बेरहमी से छोड़ दिया था फाउंडेशन, इसको बोलते पोल बाय हैंड। ये एग्जाम्पल लेना चाहिए था मैंने तभी, हाँ ऑनलाइन बताया यूट्यूब पे एलएलपी को किसने इज्जत नहीं दी, अब आ रहा है लूटने, मतलब अब आ रहा है वो अब लूटेंगे वो, अब बदला लेगा, कितने मांगते हैं मालूम एलएलपी, चलो मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत इज्जत देनी पड़ती है उसको, पता है ना उस जरूरत के समय गधे को बाप बनाना पड़ता है। ये है वो जरूरत और ये रहा वो गधा। तो भाई ये वो है जिसको तुमने इज्जत नहीं दी और अब बहुत देनी पड़ेगी, बट डरना नहीं है। कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो ये एकदम लप्पू है, कुछ नहीं है इसमें। कुछ चीजें फाउंडेशन में ना आंखें बंद करके इंस्टीट्यूट का क्या कर रहे थे ना, इंस्टीट्यूट नए सिलेबस पे काम कर रहे थे, तो पुराने सिलेबस को इज्जत नहीं थी ऑफकोर्स,
जैसे आप लोग भी करते हो ना, ऐसे जो काम का उसको इज्जत देते हैं। तो फाउंडेशन का एलएलपी था, अमेंडमेंट आई, उन्होंने ऐसा किया, कॉपी कंट्रोल सी, आरटीपी में गए कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। अब उसमें स्पेशल कोड और पता नहीं इतने सारी चीजें फाउंडेशन में डाल दी, जो बच्चा देख के बोला मिस्टर चाहे तो हार्ट अटैक से मर जाऊं मैं, क्यों पढ़ू मैं स्पेशल कोड। सीए फाइनल का कंसेप्ट है स्पेशल कोड, कंपनीज एक्ट में भी है, सीए फाइनल में तुमको सेल्फ पेस्ट लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। पर उन्होंने कॉपी पेस्ट में देखा नहीं, डाल दिया, तो बच्चों ने पूरी तरह से इसको छोड़ दिया। अच्छी बात यह कि इंटर का सिलेबस बनाते वक्त वो नींद में नहीं थे, होश में थे, ये सारी जो बकवास चीजें इसमें नहीं डाली, जो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड काम की चीजें सिर्फ वही है इसके अंदर। तो मतलब तुमको पढ़ने में बोर नहीं होगा, उल्टा मजा ही आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, अदर लॉज। अदर लॉज में आपको दो एक्ट दिख रहे, एक तो एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट और दूसरा एक्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले मैं फेमा का बताता हूं क्योंकि जनरल क्लॉज का तुम समझ नहीं पाओगे क्या सीन है। फेमा, इंडिया से बाहर जब भी कोई पैसा जाए, तुम घूमने जाओ या तुम किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाओ, पढ़ाई के लिए जाओ, जॉब के लिए जाओ, या बाहर से कोई इंडिया में आए किसी भी चीज के लिए आए, हर एक चीज को देखने वाला जो काम है वो कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का काम ही उसका, और दूसरा काम ही नहीं कुछ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। सर, अब आप कहेंगे कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट होती है क्या वो फेमा के रूल्स के तहत होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है ना इंडिया में, सिंगापुर गवर्नमेंट इंडिया में कितना इन्वेस्ट करी मालूम तुम लोग को? नहीं बताओगे तुमको ना। चाइना ने पूरे वर्ल्ड पे टेक ओवर कर लिया भाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते करते, थोड़ा देखो जाओ सोचो सुनो जरा क्या चल रहा है। क्या मैंने भी किया था इन्वेस्टमेंट घर? सेम मैंने भी किया था, ठीक है चाइना खरीद लेते एक काम कर। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से होता है, जितना पैसा अंदर बाहर जाएगा इधर से आएगा। तो तुमको मैं सब बताऊंगा कि मतलब यहां से दुबई जाते वक्त तुम क्या क्या इलीगली लेके जा सकते हैं, वहां से आते वक्त क्या क्या इलीगल लेके आ सकते हैं। नहीं पढ़ाऊंगा, मजाक कर रहा था मैं, सिर्फ देखना चाह रहा था तुम लोग कितना इलीगल चीज पढ़ना चाहते हो। जब मैं पढ़ता था ना, मैं स्टूडेंट था तो इनकम टैक्स की क्लासेस में, मैं ये नहीं पढ़ता था कि टैक्स क्या है, मैं सर से ये जानना चाहता था कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। क्यों बताएगा? क्योंकि मैंने वही देखा था, क्लाइंट आते से सबसे पहला चीज क्या बोलता है, मैं टैक्स कैसे बचाऊं। हमको तो सिर्फ भरना सिखाया भाई। ये सवाल, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे, तो मेरे को पूछ कैसे भरूं, मैं तेरे को बताऊं ये सेक्शन में इतना भर, ये सेक्शन तो बचाना, ये क्या बात कर रहा है। फिर मैं सर को पूछता, सर वो सब ठीक है, यहाँ भरना पड़ता है, ये भरना, वो बचाना कैसे पड़ता है? सर कोई बताता ही नहीं था यार, ये सब चीजें प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती है। अब क्या बोलूं, सर सोचा मैंने प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं चीटिंग करने का काम ही नहीं करने का, इलीगल वाली चीजें पढ़ना पड़ता है। अंडरटेकर नाम है आपका, सही है बेटा, अंडरटेकर जोशी, ऐसा होना चाहिए, सरनेम भी लिखना फिर मजा आएगा, अंडरटेकर कुटे ऐसा। चलो इसके बाद क्या दिख रहा है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये एक्ट है नहीं, दिस इसको बोलते हैं बाप ऑफ ऑल एक्ट, दिस इज एन एक्ट ऑफ द एक्ट्स, इसके इसमें लिखा हुआ भी है एक्ट ऑफ द एक्ट। हर एक्ट ना किसी चीज पे लगती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे लगती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इमोवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, बराबर ना। जनरल क्लॉज एक्ट किस पे लगता है, जनरल क्लॉज बोलते हैं हम सारे एक्ट्स पे लगेंगे। मैं कंपनीज एक्ट देखता हूं, बोलता है वी अप्लाई टू ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था ना 2019, 2019 के पहले ऑलमोस्ट हर एक्ट के अंदर ना जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडेड था, अब वो इंक्लूड हो गया। जनरल क्लॉज एक्ट को पूछा, भैया आप कहां पे लगते हो, हम हर एक्ट पे लगते हैं। अब जो एक्ट जहां लगती है हम उसके ऊपर लग जाते हैं, मतलब इसको कोई ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये सब पे लग रहा है, थोक में लग रहा है। ये क्या बताता, बताया एक्ट कैसे पढ़ना, बस ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है कि 20 days गिनो फ्रॉम द डेट, आज से 20 दिन गिनो। अभी 20 दिन कैसा गिनने का, आज की डेट इंक्लूड करने का कि एक्सक्लूड करने का, जो 20th डे आ रहा है वो इंक्लूड करने का एक्सक्लूड करने का। अगर मैं आपको बोलूं 6 months फ्रॉम टुडे, अब आप मेरे को बताओ आज देखो आज की तारीख है, बार बार पूछ रहे हो सर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। 20 तारीख से 6 months गिनो, कब खत्म होता है 20 तारीख से 6 months, हाँ ऐसे कोरस में बोलो ना, 20 अगस्त। अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 20 से ही गिनना है,
अब कोर्ट में मैं जाऊंगा, बोलूंगा आपने क्या बोला 6 months, ठीक है 6 महीने का खत्म हो रहे हैं, तो मैं देखूंगा अगला महीना कब चालू हो रहा है, वहां से 6 months गिन लूंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है ऐसे नहीं चलेगा हवले, जो आपने अभी कैलकुलेट किया यही है बी, डेट कैलकुलेट करने का, मंथ कैलकुलेट करने का, टाइम कैलकुलेट करने हर चीज। अच्छा लॉ बोलता है बूढ़े माता पिता की को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे की है, ये लॉ है, ये इंडिया में लॉ है, बूढ़े माता पिता को संभालने की जिम्मेदारी किनकी है, किनकी है। अब एक बूढ़े माता पिता उनको बेटा ही नहीं, बेटी है, वो उसको बोलता है मेरे को सपोर्ट करो बचाओ, बेटी बोलती है लॉ में क्या लिखा है। बूढ़े माता पिता को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, केस कर दी भाई, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं खेल रही। कोर्ट में जब ये केस गया, जज साहब कहते हैं कि आप सिर्फ ये एक्ट पढ़ रहे हो, आपको जनरल क्लॉज एक्ट भी तो पढ़ना है, बिकॉज दैट एक्ट अप्लाइज ऑन ऑल द एक्ट्स। पता है जनरल क्लॉज एक्ट में क्या लिखा है, वेर एवर देर इज एनी जेंडर गिवन इन एनी लॉ, फॉर एग्जाम्पल जेंडर में ऐसा है कि मेल दिख रहा है, ही लिखा है, हिम लिखा हुआ है, इट शुड इंक्लूड फीमेल ऑल्सो, ऑल अदर जेंडर्स विल बी इंक्लूडेड। जहां कहीं भी सिंगुलर लिखा है प्लूरल आ जाएगा। कुछ कुछ तो ऐसा है वहां पे लिखा है कि अगर लॉ में मेल लिखा है उसको शैल भी आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, बोलता है कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, क्या बोला, कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल, मतलब मैं इलीगल पर्पस के लिए कंपनी बना सकता हूं। भाई इंग्लिश में बताना तू, अगर मे लिखा है तो मैं बना सकता हूं कि नहीं, पर ये लॉजिक रहेगा क्या लॉ का। तो जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है, चुपे, मे शुड बी रीड एज शैल। कहीं पे एंड लिखा रहता है बोलते और पढ़ो, कहीं और लिखा रहता है बोलते एंड पढ़ो, ये कहां बताएंगे। जनरल क्लॉज एक्ट और उसके नीचे दिख रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये पूरा चैप्टर सिर्फ अदर चैप्टर्स कैसे पढ़ना ये समझाएगा। और ये मैं आपको कब पढ़ाऊंगा पता है, सबसे आखिर में, सब लॉ पढ़ के खत्म हो जाने के बाद। क्यों, मैं अपने पेट पे क्यों लात मारूं। नहीं, उसका लॉजिक दूसरा है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड लॉ यू शुड हैव सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, अदरवाइज तो आपको फाउंडेशन में देना चाहिए था ये चीज, कि भाई तुमको जिंदगी में पहली बार लॉ पढ़ाया जा रहा है, पहले ये पढ़ लो कि लॉ कैसे पढ़े, समझेगा नहीं तुमको। मैं अगर अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से स्टार्ट करूं तुमको कुछ नहीं समझने वाला, क्योंकि तुमने उतना लॉ देखा ही नहीं है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो तो अभी मैं जो 2-3 एग्जांपल आपको दे पा रहा हूं वो आपने कभी ना कभी फाउंडेशन में पढ़ा है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात भी सही है, वरना दिक्कत होती है। तो वो हम आखिर में पढ़ेंगे, ये हमारा टोटल सिलेबस है भाई। किसी को सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चन है तो बोलो। क्या लग रहा है आदर्श सर से बीसीआर नहीं पढ़ी होगी, क्यों, इंग्लिश कमजोर हो गई इसलिए। गया बेटा मेरा भी कोई मतलब बहुत भारी इंग्लिश नहीं है, मतलब इतनी बेइज्जती मत करो। हाँ अभी वर्षा ने एक सवाल पूछा, आप लोग उनके चैट से दिख रहे हैं, मैं बता, वर्षा बोली कि सर फिर मेल लिखा ही क्यों, शायद ही लिख देते, अब इतने साल से आपको पता ही है गड़बड़ है। तो बेटा लॉ मेकर्स कहते हैं लॉ कैन नॉट बी रिटन विथ डिवाइन पावर, ये मैं आपको जनरल क्लॉज में पढ़ाऊंगा इंटरप्रिटेशन में, क्या बोला उन्होंने, लॉ मेकर्स कहते हैं लॉ कैन नॉट बी रिटन विथ अ डिवाइन पावर, कोई भी व्यक्ति लॉ बनाते वक्त या लिखते वक्त ये नहीं सोच सकता कि आगे भविष्य में कौन सी सिचुएशंस आएगी जो ये लॉ कवर करे या ना करे। भगवान है क्या, अपन कौन है, इंसान है, इंसान की फितरत में क्या है, गलती करना, गलती सुधार हम जरूर सकते हैं। अब हुआ क्या, अब आप बोलेंगे फिर ये गलती सुधारी क्यों नहीं, जनरल प्रोसेस एक्ट वॉज ऑलरेडी कवरिंग दिस केस, देन वाई शुड बी एडिट। तो ये वैसे ही चलते आ रहे हैं और जनरल प्रोसेस एक्ट अभी भी इसको कवर कर रहा है, और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। जनरल प्रोसेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट स्टूडेंट्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जजेस के लिए, जिनके सामने एक्चुअल केस आता है ना वो लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। चलो बात नेक्स्ट चले क्या, अभी ये वाली चीजें तुम लोगों ने पहले देखी होगी, वार्म अप वालों ने देखी है कि याद है क्या, क्या देख कुछ दिखाया नहीं, यस बोल दिया, यस देखा देखा, आगे बढ़ो, तो निकल निकल निकल। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्या है, डोंट प्लान आउट, मगिंग अप का मतलब क्या होता है, रट्टाफिकेशन, कर लेना, ट्राई कर लेना, मैं आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिलवा दूंगा, पूरा लॉ रट्टा करके दिखा देना, और उसके बाद टैक्स पढ़ के टैक्स भी रट्टा करके दिखा देना, इट इज इम्पॉसिबल, इतना बड़ा बुक है ना, मतलब ये दोनों बुक मिला के इससे भी बड़ा बुक है तुम्हारे टाइम, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस बुक से दोनों, ये सिर्फ प्रैक्टिस बुक है, मेन बुक वो आई डोंट नो कि दिया कैसे नहीं वहां पे होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ा है, लर्न नहीं कर सकते आप। दूसरा ऑप्शन क्या है फिर आपके पास, अगर लर्न नहीं कर सकते तो लॉ कैसे पढ़ेंगे, सर समझ के पढ़ना पड़ेगा कंसेप्चुअल थ्योरी से। कितने मार्क्स के आपको एमसीक्यू आते हैं,
वो कैसे सॉल्व होंगे? सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, नथिंग एल्स। मतलब ये एमसीक्यू बुक है, जरूरत ही नहीं है। मेरे बुक है, मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम कंसेप्ट से पढ़ लेना जरूरत नहीं है। अगर लेना है तो क्यों लेना? सिर्फ टेस्ट करने नॉलेज। बिकॉज मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कंसेप्ट से पढ़ रहे हो तो एमसीक्यू का अलग से तुमको कोई बहुत बड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी सी छटाकभर की बुक है, दो दिन तुम लोग बैठे तो नाश्ता करते करते खत्म कर सकते हैं, इतना सा बुक है। हर चैप्टर के से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है। दूसरा है, क्लास खत्म तो जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं होता। आप लोग बोर्ड ग्रुप वाले कितने हैं? आई होप ये क्लास खत्म होने तक ये इतने ही हाथ ऊपर रहे। दिल से मैं चाहूंगा अगले 3 महीने में तुम्हारे जिंदगी में बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आएंगे, बहुत तुमको ऐसा ना लोग निगेटिव बोलेंगे कभी, जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो तुमको ऐसा लग रहा है कि सर आप पहले डरा रहे हो। सिर्फ प्रीवेल, ओनली प्रीवेल। कोई कुछ भी बोले, नहीं होगा, होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत बड़ा है, सिर्फ प्रीवेल करो। 90% चीज इधर से सुनो, इधर से निकालो और सिर्फ प्रीवेल करो। अगर तुमने ये बैच टाइम पे कंप्लीट की ना, रेगुलर आके, तुम बोध ग्रुप बड़े आराम से क्लियर करते हो विद एन एडेड बेनिफिट कि तुमको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलता है सेट ऑफ का बोध ग्रुप में। अगर आप मतलब क्लास खत्म सब्जेक्ट खत्म ये लॉजिक पे हो तो आप बोध ग्रुप नहीं दे पाओगे। ग्रुप टू के साथ आपको मिनिमम 1 से 1.5 घंटा ग्रुप वन के रिविजन के लिए डालना है, वो नहीं किया तो बात खत्म। पहले बोल रहा हूं मैं, क्लासेस ओनली 50%, रेस्ट 50% आप लोगों के हाथ में। इसके बाद क्या है? चार्ट्स। अब यार इसमें चार्ट्स तो नहीं डाले मैंने, कुछ चार्ट्स मैं बना रहा हूँ, कुछ चार्ट्स हम क्लास में बनाएंगे। आप लोग एक बुक रजिस्टर लाए होंगे, बहुत ज्यादा भरने वाला नहीं है, जो मैं लिखवाऊंगा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम उस रजिस्टर के 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट जो मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो सब हम वहां पर लिखेंगे। आप लोग भी लिखते रहना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। एक पार्ट जो दूसरा रहेगा ना, वो रहेगा वो प्रैक्टिस बुक वाला, ये वाला प्रैक्टिस बुक वाला पार्ट रहेगा। अब इसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, या आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लो, या आप आरटीपी एमटीपी डाउनलोड करो इंस्टीट्यूट के से, फ्री है, कंप्लीटली फ्री। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के कंप्लीट होते ही आपको उसकी उस चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस करनी है। व्हेन आई से प्रैक्टिस, बिना देखे लिखे, क्योंकि देख के तो हम छाप सकते हैं, कोई भी छाप सकता है, बिना उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बिना देखे लिखेंगे तो चेक कौन करेगा? हम ही करेंगे। जब भी चेक करो ना, बेरहमी से चेक करो, ऐसा समझ लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसका पेपर तुम चेक कर रहे हो, इतने बेरहमी से करो। मन कर रहा है 1.5 मार्क देने का, 1 देने का, ऐसे ही होने वाला है रियल वर्ल्ड में। क्यों? मेरे को क्या पता, जो पेपर चेक कर रहा है उसकी बीबी ने उसको चाय नहीं दी, गुस्सा किस पे निकलेगा? कहा गया 0 उसको तो क्या, उसको तो भाई अभी हम लोग देख ही रहे, कितने सारे टीचर्स बेचारे चिल्ला रहे, कितने सारे बच्चों के पेपर आप देख रहे हो यूट्यूब पे आ रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स बनते थे नहीं दिए। प्रॉब्लम इज, कितना फाइट करोगे, किससे फाइट करोगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। प्रॉब्लम बच्चा बेचारा अटक जाता है, अब वो उम्मीद में बैठते कुछ तो होगा। कभी आज तक इतने सालों में सुना इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट करके बोला हाँ भाई गलती होगी, चलो 2 मार्क बढ़ा देते हैं? कभी न्यूज में सुना? सुनोगे भी नहीं। एक प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है, बच्चा उम्मीद में फालतू बैठ जाता है यार हाँ कुछ तो होगा। भैया पहली अपने आप को ऐसे ही मार्क्स दो, डोंट प्लान फॉर 40 मार्क्स, You will surely fail. मैं लिख के देता हूँ। पास होने के लिए कितना टारगेट रखना पड़ेगा? मिनिमम 80, अरे क्या 60, 80। तुम क्या बोध ग्रुप दे रहे ना, तो 60 का प्लान करोगे तो पता कितने आएंगे? 48 मार्क्स, 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में खींच लोगे दोनों ग्रुप? दोनों ग्रुप खींचने के लिए क्या लगता मालूम? दोनों दो सब्जेक्ट 60+ जाने चाहिए एक ग्रुप में, यानी 6 में से 4 सब्जेक्ट तुम्हारे एक्चुअली 58, 55, 60 उस रेंज में जाएंगे, तब जाके जो दो तीन रहते हैं ना अपने ऐसे जो 45, 47 में होते हैं वो आपको सॉल्व करवाएंगे, पास करवाएंगे। तो अब आप देख लो, आप में से थ्योरी स्ट्रांग वाले कितने लोग हैं? जिनका थ्योरी स्ट्रांग है 1 है 2 3 4 5 थ्योरी स्ट्रांग है, मतलब आपको बोर नहीं है, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते झपकते नहीं ना। प्रैक्टिकल वाले बाकी लोग हैं, राइट? तो आप लोग को अकाउंट्स में फोकस करना है, थियोरी वालों के लिए तो बहुत ऑप्शन है, टैक्स है, ऑडिट है, लॉ है, जहां पे आपको प्रॉपर रहेगा। प्रैक्टिकल वालों के लिए कॉस्टिंग और अकाउंट्स है। अब आपको कुछ तो भी करके कोई एक सब्जेक्ट थियोरी का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके आप बोध ग्रुप क्लियर होंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ, ये अभी इसलिए बता रहा हूँ, हर टीचर फर्स्ट लेक्चर में अपनी स्ट्रेटेजीज बताता है,
ये चीजें बाद में आप क्या करते हो पता है, अलग अलग जगहों पे इंस्टाग्राम रील में, यूट्यूब रील में यही चीजें देखते हो जो अभी हम क्लास में बता रहे हैं, बट तब आपको मजा आती है तो आप लाइक ठोकते हो उस पर। अभी जब मैं इधर ऐसा फ्री में बांट रहा हूँ तो ठीक है सर वो रील मेरी आप कब पढ़ाएंगे बोले देख लो भाई, मतलब हर टीचर स्ट्रेटेजी बताएगा, अब आपके ऊपर है कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। ये जो पार्ट है ये आई विल कवर, मैं क्लास में रिवाइज करवाऊंगा, टिल डेट नहीं हो पाएगा बिकॉज सिंस सिलेबस इज ह्यूज, आप लोगों को क्यूमुलेटिव टेस्ट जब आप करोगे तो रिवाइज टिल डेट वाला पार्ट अपने आप हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस करो। अभी कुछ बच्चे कहते हैं, आपके दिमाग में आया कभी कि कब से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए? एनीवन, कोई डेट ऐसे सवाल आया तुमको? नहीं आया कभी तुमको? एग्जैक्टली पता है कब से स्टार्ट करना है? कब से स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग मीन्स व्हाट? वो तो ये तो हाइपोथेटिकल लग रहा है ना, जैसे आज स्टार्टिंग हो गई तो अभी जाके घर पे कर लोगे राइटिंग प्रैक्टिस? फिर कब करोगे? चैप्टर खत्म होने, दैट विल बी टू लेट, क्योंकि फिर अगले चैप्टर का रिवीजन तो करना है, कंसेप्ट खत्म होगा। फिर प्रॉब्लम ये है कि उस कंसेप्ट के क्वेश्चन कहाँ ढूंढोगे? सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया। एक तो ये करो, या और भी बुक्स अवेलेबल है, या आरटीपी एमटीपी में, एमटीपी जब आप डाउनलोड करते हो उसमें ना आप कंट्रोल एफ कर लो, जो चैप्टर ने पढ़ा है उसके कीवर्ड्स होते हैं आप उसको ढूंढ सकते हो, वो उसके सवाल आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा बिकॉज वो प्री गिवन है चैप्टर वाइज, और तो फ्रेम वाइज दिया रहेगा, बट जैसे ही कंसेप्ट कंप्लीट होता है ना उसका एक ना एक क्वेश्चन आपको करना है, डेली बेसिस पे करना है। कितने से कितने तक क्लास है आपकी? कितने बजे तक है? उसके बाद क्या करने वाले हो? सर आप आ जाएंगे हर दिन पढ़ना है, क्या करने के वाले हो तुम लोग? बाहर के कितने इसमें से आउट ऑफ इंदौर? पलटा हो गया कैमरा पूरे, और क्या रुक हाथ से कर, इंदौर वाले कौन है? अरे भाई साहब, इन लोग के घर जाना है अपन लोग को बीच बीच में, मैं भी बाहर से हूँ ना, तो इन लोग ये इन लोगों को एक गैंग बनाते हैं, इनका ग्रुप बनाते हैं, अपन एक एक करके इनके घर जाएंगे, खाना वाना खा के आएंगे, ठीक है? तो भैया इंदौर के बाहर के लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो आप लोग के पास टाइम बचेगा, इंदौर के अंदर के लोग के पास बहुत दोस्त दोस्त रहते हैं अपने, तुम लोग की दोस्ती यारी अब यहाँ होगी वो होगी, राइट? सेम हॉस्टल वाले कितने लोग हैं? सेम हॉस्टल ऑलरेडी एक दूसरे को पहचान में है ना, नाइस। तो ये तो गैंग बन गया, अभी इधर उधर बैठे हैं, थोड़े दिन में एक साथ झुंड बना के बैठेंगे और ऐसे बात ऐसे करेंगे, फिर इन लोगों को मैं अलग अलग करता रहूंगा, जय और वीरू की जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। भाई साहब गिव 3 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। सर आपकी बुक्स में कौन सी है? बेटा मटर पनीर है, आलू पनीर है। मटर पनीर है, वेज बिरयानी, दो चीज अपने पास है, एक प्रैक्टिस के लिए है, एक एमसीक्यू के लिए है, चॉइस आपका है, लेकिन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो प्रैक्टिस करो। फुल सिलेबस टेस्ट लेने कैसा रहता मालूम? अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था इनका, टॉपर्स का, उन्होंने वो चीज मेरे को बोली कि सर आपने क्लास में बोला था कि घड़ी लगा के राइटिंग प्रैक्टिस करना, मतलब दो तरह से राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एक नॉर्मली और एक घड़ी लगा के। घड़ी लगा के जब करो ना तब एक्चुअली रियलाइज होता है कि आते हुए भी अपन कभी कभी अपने आंसर छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा। एग्जाम में बच्चे आके बाहर आते से लॉ में कभी बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बोला होगा सर क्या खतरनाक क्वेश्चन पेपर, कुछ नहीं आ रहा था, ऐसा होता ही नहीं लॉ में, उल्टा होता है। लॉ में आते बच्चे ऐसे आते हैं सर फोड़ के आया हूँ पीछे कि बिल्डिंग पीले ना ढह जाएगी, ढह जाए इतना लिखा ना, मैं सप्लीमेंट लेके आया हूँ सर, आप समझ नहीं रहे मैं कितना लिख के आया हूँ, ये एप्स दिख रहे हैं इस तरफ के 3 आज बने हैं, एक एक घंटे में एक ऐप, और मार्क्स आते कितने मालूम? 38। मतलब वो चेक करने वाला भी ऐसा करता, हर दो दो पेज के बाद एक मार्क देता है, ऐसे देखिए ये तो डाइजेस्ट बना दिया ना इसने, हर दो पेज के बाद एक मार्क, पेपर ऐसा लगता है ना मक्खन गया, मार्क्स आते तो ऐसा लगता है फिर लोग इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, कभी ओवर लिख देते हैं, अति मतलब जरूरत नहीं थी लिख देते हैं, और कभी अंडर लिख देते हैं, हर प्रोविजन में ना मतलब सेक्शन में नीचे प्रोवाइडेड दैट होता है, देखा है पढ़ा है आपने कभी? प्रोवाइडेड दैट सुना है, उसको प्रोविजो बोलते हैं, बच्चे भूल जाते लिखना, नहीं लिखा प्रोविजो ही नहीं लिखा तो फिर वो मार्क्स नहीं मिले। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें वो आपको पता चलेगी, और जब आप 3 फुल सिलेबस टेस्ट देंगे ना, फुल सिलेबस 3 आवर्स 15 मिनट्स का, ठीक है, तब आपको वो समझ में आएगा कि वो 3 घंटे कैसे मैनेज करना है। अभी कब करना है आपकी मर्जी, चैप्टर वाइज टेस्ट तो मैं ले रहा हूँ क्यूमुलेटिव, अगर आप लोग देने में इंटरेस्टेड हो मैं खुद आपके लिए 3 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर बनाने रेडी हूँ। कब?
जब ये क्लास पूरा भरा रहे जितने आज है उतने बच्चे अगर रहे और देने के लिए रेडी है, मैं खुद बनाऊंगा, मैं आपको आंसर भी दूंगा, हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे कैसे मार्किंग देना है, ठीक है। और ये मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, अफकोर्स बनाऊंगा तो ऐसा मैं पार्शलिटी नहीं करने वाला, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी को देने के लिए तैयार हूँ। बट मैंने खुद ने नोटिस किया है ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, चार टेस्ट के बाद पांचवे टेस्ट में आधे बच्चे गायब हो जाते हैं। क्यों सर रिविजन नहीं हुआ? भाई यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। कब ऐसा हुआ? कौन सी एग्जाम तुमने ऐसी दी कि तुम 100% दे देते? अरे मैंने सब कर लिया, मैं रिलैक्स एक दिन चिल मारता हूँ फिर कल एग्जाम दूंगा। हुआ कभी ऐसा? हाँ जी, कब हुआ था? सॉरी, ट्वेल्थ में ऐसा हुआ था, ट्वेल्थ में हो सकता है, छोटा सा लैक्स क्योंकि वो स्कूल में ना इतनी बार टेस्ट करवाते थे आपसे कि आपको ऐसा लगता है कि तो इससे डिफिकल्ट तो मेरे एग्जाम स्कूल वाले थे, या मतलब कॉलेज वाले एग्जाम डिफिकल्ट लगते हैं, मेन एग्जाम छपरी लगता है। यहाँ उल्टा होता है क्योंकि ना अभी इंस्टीट्यूट यूनिक क्वेश्चंस पूछ रहा है, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे। आपको मैं पेपर्स दिखाने वाला हूँ, इंस्टीट्यूट यूनिक क्वेश्चंस पूछ रहा है, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो आपको तीन फुल सिलेबस टेस्ट देनी चाहिए। तो लेक्चर्स आप कहाँ देखने वाले हैं? जो ऑफलाइन बैठे हैं उनको तो पता है आपको यहाँ देखना है लेक्चर्स। ऑनलाइन वालों के लिए एंड्रॉइड iOS ऐप है, लैपटॉप है, एकाग्रता का चैनल है ना, आप देख सकते हो। क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे, कोई ग्रुप अगर बनता है तो मैं शेयर करूंगा। थोड़ा ना ग्रुप स्टडी की भी इसमें स्कोप है, लॉ में यू कैन डिस्कस अमेंडमेंट्स, यू कैन डिस्कस MCQs, RTPs, MTPs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हो। तो ट्राई करना कि थोड़ा सा मतलब ग्रुप डिस्कशन भी करना है हमको। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, आप में से वार्म अप क्लास के बच्चों ने देखा है कि मैं कुछ वेबसाइट्स पे आपको लेकर जाता हूं। देखा था, एक ही दिन मिला था हमको लेकिन मैं लेकर गया था। मेन क्लास में तो आप परेशान हो जाओगे, बहुत टाइम उसमें मैं डालने वाला हूं, बट उसके पीछे का इंटेंशन ये है कि आपकी थ्योरी सब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड से हमें जोड़ना है, वरना आपको एमलेस लगेगा। मतलब वो डाइसेक्शन पढ़ाते हैं, आपको पता है क्या, वो जब आप डॉक्टर बनते हो ना डाइसेक्शन पढ़ाते हैं। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू टीच दैट ऑन पेपर, जब ये फर्स्ट टाइम वो बंदा वो चाकू पकड़ के सामने खड़ा होता है ना, उसके हाथ कब कब आएंगे, राइट और रॉन्ग? कितना भी आप थ्योरेटिकल पढ़ लो कि ये काटने का, ये इसके नीचे इतने सारे टाइप के स्कीन्स रहते हैं, उसके अंदर ये ऑर्गन रहता है, इसको काट के निकाल के बाहर रख देने का, जब ये रियल में काटने की बारी आएगी तो क्या होता है, पड़ती है ना। क्यों? इसीलिए मेडिकल फील्ड में आप देखना प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, कराते कि नहीं कराते, बच्चों से करवाते हैं। वो देखा होगा आपने, वो क्या फ्रॉग वॉक पे करवाते हैं, सब करवाते हैं। वो यहाँ पर हमको लॉ में करना है कि रियल वेबसाइट्स पे गए, फॉर्म डाउनलोड किया, प्रोसेस समझे, देखा, रियल वर्ल्ड देखा। कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी मैं शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, और उससे हमें कनेक्शन मिलेगा, उस समय पता चलेगा कि हम आर्टिकलशिप में एक्चुअली कैसे करेंगे काम, ठीक है। और ना आपको फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी अमेंडमेंट आया, सर ये अमेंडमेंट आया क्यों है, क्या है। उतने कैपेबल आफ्टर 3 मंथ्स आप इतने कैपेबल हो गए कि आपको खुद अमेंडमेंट और उसका लॉजिक समझ में आ गया, ये मेरी गारंटी। हाँ, एक आधा डिफिकल्ट रहा तो मैं हूँ यहीं पे, बस पूरा ही अमेंडमेंट में करवाने वाला हूँ, बट आप सेल्फ पढ़ पाओगे इतना मैं आपको सक्षम बना दूँ। कुछ ग्रुप्स हम बनाने वाले हैं, उसमें ये बेनिफिट है, आप इसको देख लो। एक ही इसमें प्रॉब्लम है ग्रुप स्टडी में, और वह टाइम पास। जो लोग एक हॉस्टल में, आप लोग फेस टू फेस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, मतलब मेस वेस में खाना खाते वक्त वी कैन डिस्कस, या ऐसे कभी बैठ के चिल कर रहे हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि यू आर नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस, वरना वो पॉजिटिव की जगह लास्ट पॉइंट पढ़ो, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है इसका, ठीक है। चलो, तो ये बैच के डिटेल्स हैं, आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ऑनलाइन वालों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। इंदौर के बाहर के एक्चुअली मैक्सिमम लोग हैं ना यहाँ पे क्लास में। Nice. चलो ठीक है फिर, क्लास इस तरह से आपकी होने वाली है। इस लेक्चर के बाद अंशुल सर आने वाले हैं 10 to 12:15, 12:30 to 2:30 मोहित सर के दो लेक्चर्स है ना, हाँ मोहित सर और निशांत सर के 5 बजे तक लेक्चर्स है। 7:30 to 9 अभिषेक सर फिर से लॉ ऑनलाइन पढ़ाने आएंगे। तो ये इस तरह का पूरा क्लास रहेगा, फेस टू फेस एज वेल एज ऑनलाइन का। बुक्स आपको क्लियर है अभी? ये जो वो जो येलो और वो दिख रही ना बुक रेड वाली, उसका जो ऊपर का पेज है वो चेंज हुआ है, बुक सेम है, बट आपको मतलब आप बोलोगे वरना कि सर बुक कोई और दिखाई थी, तो उसका जो कवर पेज है वो चेंज हुआ है, बट द बुक इज सेम। तो आपको बुक दी जाएगी, क्लास के पार्ट है, तो आई थिंक मैं आज बात कर लूंगा, दे शुड गिव यू राइट नाउ, या तो ऑफिस ओपन होने के बाद दे देंगे, आजकल में आपको मिल जाएगा। जो लास्ट के दो बुक्स है
राइट साइड में जो प्रैक्टिस बुक्स है वो आपको क्लास के साथ नहीं मिल रहे, बट वो आपका चॉइस है। मैं तो रिकमेंड करूंगा, ऑफकोर्स मेरा बुक है, मेरे को तो प्रॉफिट होगा, बट ओवरऑल में आपको भी प्रैक्टिस में प्रॉफिट होगा। आप किसी भी टीचर का ले सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, और अगर पैसा नहीं डालना है आप लोग जेन्युइनली आरटीपी एमटीपी पीवाई की डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बुकलेट भी बनाई है, इंस्टीट्यूट ने एक चार्ट्स भी बनाया। आपने देखे इंस्टीट्यूट के चार्ट्स? नहीं देखे होंगे, आज मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत अमेजिंग है। मतलब मैं चार्ट बुक बना रहा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो इंस्टीट्यूट ने बना करता है, मैंने पूरा स्क्रैप कर दिया। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया था, एक या दो चैप्टर हुए भी थे, बट इंस्टीट्यूट का मैंने देखा इतना प्यारा बनाया चार्ट बुक, और फ्रीली अवेलेबल, अभी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा। तो मैंने वो स्क्रैप कर दिया, मैंने कहा और बेटर बनाते हैं, कि इससे तो अच्छा कुछ बनाएंगे तो जस्टिफाइबल है ना, अदरवाइज व्हाई शुड वी चार्ज मनी। तो स्क्रैप करके मैं भी दूसरा बना रहा हूँ, बट तब तक के लिए यू कैन यूज दैट बुक फॉर रिविजन। में चार्ट का भी आपको बता दूंगा, फ्री बुक है, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करें क्या? ठीक है चलो, कॉर्पोरेट अदर लॉ पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी ये वाला। ओके, कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट देखा है आपने? कितने लोगों ने बेयर एक्ट देखा है? बेयर एक्ट नहीं देखा तो ही हो जाएगी अगर मैं आपको पहले बेयर एक्ट ना दिखाऊं, ठीक है। मेरे पास बेयर एक्ट है, मैं तुमको बेयर एक्ट दिखा रहा हूँ, बेयर एक्ट डाउनलोडेड होगा, अरे पीछे गया। ये देखो बेयर एक्ट, बेयर का मतलब क्या होता है? जिसको कोई कवर नहीं है, कुछ नहीं है, ये बेयर एक्ट। यह भारत के राजपत्र, यानी कि हमारे देश का न्यूज़पेपर, ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया, इसका वेबसाइट है egadget.nic.in। भारत में जो भी लॉ बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस पता है आपको? एक चीज पढ़ाने से मैं दूसरी चीज पढ़ाने से तीसरी चीज पे जा रहा हूं, फटाफट 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 फटाफट, कोई नहीं। ये वाला प्रोसेस पता है? सबसे पहले अपने दिमाग में कीड़ा आता है कि लेट्स मेक अ न्यू लॉ, तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी पे लॉ बनाते हैं, मैं हर बार हर एग्जाम में यही कर रहा हूँ, जब तक क्रिप्टो करेंसी पे बनेगा नहीं, या मैं आईटी एक्ट के साथ भी कर सकता हूँ, उसके साथ भी ऐसी बेइज्जती हो रही है। सो हम लोग सबसे पहले एक बिल बनाएंगे, इसको बोलते हैं प्रपोजल, ड्राफ्ट, कि हमें क्या चाहिए, इसको कहाँ भेजू फिर मैं? लोकसभा भेजू। ओके, लोकसभा में क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन पहले इंट्रोड्यूस करेंगे हम, फिर उसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन में बहुत सारे स्टेजेस है, फॉर एग्जाम्पल जनरल डिस्कशन की ये एक्ट किस बारे में है, या मतलब ये बिल किस बारे में है, क्या करना चाहते हो आप इससे। स्ट्रेट कंसिडरेशन में हम डायरेक्टली बिल को देखते हैं, अगर वो बिल इजी टू अंडरस्टैंड है तो, कुछ कुछ बिल डिफिकल्ट होते हैं तो उसके लिए हम कमिटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिप्टो करेंसी, क्या लगता है लोकसभा के कितने लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल नॉलेज होगा? लोकसभा में बैठे कितने लोगों को डिटेल नॉलेज होगा क्रिप्टो करेंसी का? अपने को ही नहीं है भाई, अपन तो कॉमर्स फील्ड के हैं, कितना ही पता है अपने को। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, वी नीड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू लुक इनटू द बिल, टू अंडरस्टैंड द बिल, टू मेक अमेंड्स इन द बिल, एंड देन वी विल सेंड इट टू राज्यसभा, या आप चाहो तो जनरल ओपिनियन लेंगे। क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन क्या होता है, कुछ क्लॉजेस पे कभी कभी ऐसा होता है ना, अपोजिशन नहीं मानता। आपने देखा डिबेट लोकसभा राज्यसभा डिबेट क्यों हो रही? डिबेट ऐसे थोड़ा ना झगड़ रहे लोग मस्ती मस्ती में, उनको प्रॉब्लम है कुछ कुछ चीजों से तो वो झगड़ते हैं। तो क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है, चेंजेस किए जाते हैं, उसके बाद बिल में अमेंडमेंट करने के बाद होता है वोटिंग। वोट में क्या होगा, आइदर पास या फेल हो गया तो वापस स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन स्टेज में वो घूमता रहेगा, जब तक पास नहीं होगा बिल आगे नहीं बढ़ेगा। अगर लोकसभा से पास हो गया तो कहां जाएगा? राज्यसभा में। यही स्टोरी फिर अपने मोहल्ले में हेमा आई, पूरा सेम स्टोरी, सेम देखो आप वर्ड बाय वर्ड सेम है। देखो अब आप कहेंगे सर एक बार हो ही रहा था लोकसभा में तो राज्यसभा में दोबारा करने की क्या जरूरत है? बेटा लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग लोग होते हैं, पता ना आपको? राइट और उनका मतलब सीनियोरिटी भी अलग होता है, उनका रीच भी अलग होता है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन भी बड़ा होता है। अब वो लोग ये सेम प्रोसेस करके आइदर रिजेक्ट कर देंगे, अगर वो रिजेक्ट करते हैं या अमेंडमेंट बताते हैं तो वापस से बिल कहां चला जाएगा? लोकसभा। फिर ये कहानी चलती रहेगी। कभी कभी होता है ज्वाइंट सेशन पे बात आ जाती है, राज्यसभा रिजेक्ट करता है, लोकसभा अप्रूव कर रहा है, तो एक ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें लोकसभा के भी लोग होते हैं, राज्यसभा के भी लोग होते हैं, सब झुंड में बैठे रहते हैं और वहां पे फाइनल डिस्कशन होता है जिसको पास करना है या फेल। जब भी कोई बिल फेल हो रहा है कहां जाएगा? वापस लोकसभा में। अब अगर राज्यसभा से पास हो गया या ज्वाइंट सेशन से पास हो गया तो किसके पास जाएगा?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट कर सकता है बिल को? यस, तो उसके पास भी ऑप्शन है, रिजेक्ट किया तो कहां जाएगा वापस? जब भी रिजेक्ट हो रहा है जीरो, अपन वो सांप सीढ़ी खेलते ना, वो सांप ने काटा टू 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 टू, ये उधर ये उसका सांप का एंड ये है लोकसभा। चलो फाइनली एक बार जोरदार तालियों के साथ, अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तो ताली बजाओ भाई लोग, हमारा बिल बन गया एक्ट। क्या अब ये एक्ट हम पे एप्लीकेबल हो गया? नहीं। तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा एक्ट बना है कौन सा नहीं बना? ऐसे क्या अभी एक्ट बन गया होगा सपोज कोई, अभी तो नहीं, अभी पार्लियामेंट बन गया, बट मैं बता रहा हूं, तो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? कोई न्यूज पेपर है क्या? है ना, तुम्हारे पास न्यूज पेपर भी है, ये है गैजेट ऑफ इंडिया, इसका भी वेबसाइट भी बता देता हूँ तुम लोग को, थाम्बा, थाम्बा मीन्स इन मराठी, इतना टैलेंट है, ई गैजेट.gov.in हो गया, ठीक है, NIC चेंज हो गया, मैं पुराना ही वेबसाइट खोलता हूँ। हाँ, ये अब इसके लिए नहीं बनी है, ये जो वेबसाइट है वो किधर होता है? ये मैं करूंगा बाय द वे, बहुत ये है वो वेबसाइट, हाँ कर ले बेटा, तो G20 कर ले, गैजेट ऑफ इंडिया दिख रहा है सबको? इधर आपको सबसे पहले दिख रहे हैं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने अभी अभी 19 फरवरी को एक नया गैजेट डाला, इधर से डाउनलोड करो पढ़ लो। अब अगर तुम यहां जाके नहीं पढ़ रहे किसकी गलती है? एक कंसेप्ट था फाउंडेशन में, मिस्टेक ऑफ लॉ, याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जब आपने आई थिंक मिस्टेक पढ़ा था ना, 2020 सेक्शन 2021-22 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ा था कि समझो आप गन लेके रास्ते पे घूम रहे हो और पुलिस ने पकड़ लिया, और बोले ये क्या है, गन आपके पास है, लाइसेंस है क्या? आपने कहा नहीं, तो बोले फिर चलो अंदर, ये तो गुनाह है। आपने कहा और मुझे तो उड़ना पता, गन कैरी करना अलाउड है, मुझे थोड़ी ना पता था रेड सिग्नल पे रुकना ही पड़ता है, मुझे थोड़ी ना पता मर्डर करना पाप है या गुनाह है, क्या बोल सकते हो ये सब? क्या बोला था वहां पे? मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कैन बी टेकन एज एन एक्सक्यूज, बिकॉज हो सकता है आपको नहीं पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या रूल है, अभी नहीं मालूम मेरे को भी नहीं मालूम, इंडिया के लिए झेले जा रहे हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में क्या? तो भैया ये अगर आप नहीं पढ़ रहे इसमें किसकी गलती है? इधर हमने लिख दिया मतलब एक्ट फाइनल है। अब आपने न्यूज रिपोर्ट्स यूजुअली आप तक कैसे पता चलता है? जैसे अभी आपको पता है ना पूरे लॉ चेंज हो गए, आपने सुना राज्यसभा में अपने जो पिनल कोड्स है वो पूरे चेंज हो गए, सुना न्यूज में सुना होगा, न्यूज वालों का पता चलता है? वो लोग अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने सामने इंपॉर्टेंट बिल्स लेकर आते हैं, वरना यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। ये देखो वीकली यहाँ पर चीजें आती रहती है, आप चाहे उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जिस दिन ये पब्लिशेशन होगा ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन से ये लॉ हम सब पे एप्लीकेबल है। अब मेरे को बताना कंपनीज एक्ट कब पब्लिश हुआ, व्हाट इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन, दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है, चलो अपनी अपनी बुक्स, अच्छा आपके पास अभी बुक्स नहीं है ना, दुख हो रहा है तुम लोग को बार बार, और मैं मजे ले रहा हूँ ना, ठीक है मजे ही उसका है। फिर आओ लाल लाल अक्षर में लिखा है, कंपनीज एक्ट वॉज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, बोलो ट्रू और फॉल्स? भाई सो रहे हो क्या? कंपनीज एक्ट वॉज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, कहां से आया ये चीज? अरे कंपनीज एक्ट का ये देखो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का सबसे ऊपर मैंने लिख के भी रहा है प्रीएम्बल, ये लास्ट में जब पढ़ा था तब का लिखा हुआ है, लेकिन अपने को मेहनत बच गई। देखो क्या लिखा है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एन एक्ट, तो आपके मॉडल ने कुछ नया बोला क्या? वो सिर्फ बता रहा है कि एक्ट क्यों बना था, क्यों बना था भाई? कंपनीज के रिलेटेड जो सारे लॉज इधर उधर होंगे उनको हम एक जगह लाएंगे और यहीं पर अमेंड करेंगे। तो अगर भारत देश में किसी को कंपनी बनाना है, कंपनी के रिलेटेड कुछ भी करना है, तुमको ऐसा मतलब इचकी भी आ गई ना कंपनी का याद आके, तो तुमको इधर आने का है, और कहीं जाना है क्या? चलो वही चीज आपके उन्होंने मॉड्यूल में लिख दी। नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखते हो, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले क्या था बोले? कंपनीज एक्ट 1956। फाउंडेशन में मैंने बहुत 1850 से लेकर अभी तक के कंपनीज एक्ट के लिस्ट दिए, बट आई डोंट थिंक सो इट इज नेसेसरी, बट अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो आप देख सकते हो विकिपीडिया। पता है आप लोग जाते हो विकिपीडिया पे? विकिपीडिया पे एक चीज अच्छी है, जैसे विकिपीडिया पे गए यहां पे डालना
कंपनीज एक्ट इन इंडिया। अभी देखो मजा आएगी इधर, ये देखो यहां पर आ रहा है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, दिख रहा है? ये देखो कंपनीज एक्ट 1930, नहीं ये गलत है। इसमें आप कोई भी एक्ट में गए, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ कंपनीज एक्ट 2013 में, तो आपको यहां पर देखो उसके इनिशियल जितने भी थे ना सब पहले के दिखेंगे। कहां गया रे? इसमें से लाया था मैंने, अभी वो देखना पड़ेगा किधर है। चलो ठीक है, मेरे पास उसका है, मैं आपको दे दूंगा। कंपनी 1850 से लेके है, लेकिन अभी अपने को उसकी जरूरत नहीं। अरे हाँ, मैंने तो वो भी बनाया था ना तुम लोग के लिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। 1850 से हमारा कंपनीज एक्ट था, वो ब्रिटिश कंपनीज एक्ट जो था ना, मैंने फाउंडेशन में आप लोगों को बताया होगा अगर आपको याद होगा तो, इंग्लिश लॉ जो था उसके ऊपर बेस्ड था, हमारा अपना कुछ नहीं था। ये कंपनीज एक्ट 2013 इज द फर्स्ट एक्ट जो हमने हमारे लिए पूरा बनाया, मतलब 1956 पे है, बट रियल वर्ल्ड पे भी डिपेंड करके हमने खुद से बनाया हुआ। विकिपीडिया में आना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्यों नहीं आ रहा है, पहले दिख रहा था उसका पहले का। ऐसे ही गूगल पे भी आ जाएगा ना लिस्ट ऑफ। चलो 2 मिनट तुम भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करता हूँ। मेरे को मेरा वो गंदा आदत है यार, दिमाग में कोई चीज आया ना तो दिखाना ही पड़ता है, नहीं तो मेरे को पेट दुखता है। सीए फाउंडेशन में तुम लोग को दिखाया था ना मैंने। इसमें होगा क्या? नहीं, पुराने वाले में होगा। आएगा आएगा, रुको, टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत माल है, फाउंडेशन से इंटर तक का इतना माल भरा है ना मेरे पास। ये देखो ये वाला फाउंडेशन में यूजुअली मैं दिखाता हूँ। तो पहला एक्ट कौन सा दिख रहा है? कंपनीज एक्ट। ये सबसे पहले आया था, इट वॉज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ 1844। तो अब देखना कैसे होगा, जैसे जैसे इंग्लिश लॉ में अमेंडमेंट आएगा, ब्रिटिशर्स थे ना इस टाइम पे, उन्होंने इंडिया में लॉ नया नया लाया। देखो अभी नेक्स्ट एक्ट अपने इधर कब आया, और उस क्यों आया? क्योंकि 56 में उधर एक नया एक्ट आया, अब उधर एक नया एक्ट आया 62 में, 66 में हमारे पास। अब ये सिलसिला चला, देखो 1850 के बाद 1857, 66, 1913, फिर आया 1956। अब 1956 में पता नहीं इनको क्या हो गया, इन्होंने अमेंडमेंट्स हजार बार लाए होंगे बट नया एक्ट नहीं लाया। अब आप गैप देखो, 1956 के बाद जब नया एक्ट आया वो कब आया? 2013। मेरे को तो कैलकुलेशन नहीं आता, कोई करके बता सकता है कितने साल हो गए? कैलकुलेटर वाला है कोई? 57 ईयर्स के बाद सोचो। ऐसा नहीं है कि बीच में अमेंडमेंट नहीं हो रहे थे, अमेंडमेंट तो हर 6 महीने में हो रहे होंगे, हर 3 महीने में हो रहे होंगे, लेकिन नया एक्ट नहीं बनाया क्योंकि हमने सोच लिया था अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपना खुद का एक्ट बनाएंगे। बहुत हो गया, वैसे आजादी तो मिल गई थी उस टाइम पे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमारी चल रही थी, आप लोगों को पता है ना, आजादी के बाद भी बहुत चीजें चल रही थी, पॉलिटिकल मिलिट्री वाइज, देर वर सो मेनी थिंग्स जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी था, तो ये चीजें थोड़ी बैक स्टेज ले ली थी। फिर धीरे धीरे करके 2013 में हमने फाइनली अपना एक्ट बनाया जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी वो एक्ट कब बना ये भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ना, द कंपनीज एक्ट रिसीव्ड एन असेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन, डेट बताओ। क्या ये सेम डेट देखिए हमने बेयर एक्ट में? पक्का?
देखो कहां पे लिखी है वो, ग्रीन कलर करो उसको आगे। एक और जगह पे लिखा हुआ है ये देखो, देखा क्या बोला उसने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसेंट कब दिया। ओके चलो कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा यानी मैं आपको। नेक्स्ट ये हो गया 29 अगस्त वाली बात मैंने आपको बता दी। ऑफिशियल गैजेट में बोले वो 30 अगस्त को गया, अब अपने को तो 29 दिख रहा है ऑफिशियल गैजेट में, 30 अगस्त दिखा गया कहीं था ना, नोटिस किया नहीं था लेकिन कहां पे लिखा है ये उधर, ये सर हाँ राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट दिखा, ये है डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अब अगर आपको मैं कोई भी दूसरा बेयर एक्ट दिखाऊंगा क्या आप ये एक दो चीजें बता पाओगे एक्ट के बारे में, क्या क्या बता सकते हैं अब हम एक्ट के बारे में। सबसे पहली चीज कि ये एक्ट कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कंपनी एक्ट कौन से मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर वन ऑफ द लॉ इज कॉर्पोरेट लॉ, ऐसे क्रिमिनल लॉज भी तो है जस्टिस में, क्रिमिनल लॉज भी है, इंडियन पिनल कोड भी है, तो अपन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंदर कंपनीज एक्ट, आरओसी, रीजनल डायरेक्टर्स, ये सब उसके अंदर आता है। दूसरा क्या बता सकते हो, व्हाट इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस एक्ट। अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे को एक लाइन या दो लाइन में बताओ व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग एन एक्ट, तो आप उस एक्ट का क्या पढ़ेंगे, प्रीएम्बल पढ़ेंगे। क्या है प्रीएम्बल, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस एक्ट को कौन सी डेट पे नोटिफाई किया गया था, 30th पे नोटिफाई कब किया, 30th पे। प्रेसिडेंट ने असेंट कब दिया, प्रेसिडेंट पहले असेंट देगा या बाद में, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। क्या प्रेसिडेंट के असेंट और नोटिफिकेशन में डेट ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। कंपनीज एक्ट आपको क्या लगता है 29 अगस्त, ये जो 30 अगस्त को आया तो क्या 30 अगस्त से एप्लीकेबल हो गया था क्या, नहीं। चलो आप बोलोगे सर फिर क्या हुआ होगा मालूम, 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुआ होगा, हुआ है मैं बताता हूं, 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुआ लेकिन तब भी पूरा एक्ट नहीं हुआ, उन्होंने पीसमिल पार्ट बाय पार्ट इस एक्ट को अप्लाई किया, पुराने एक्ट को निकाला, क्योंकि उनको लगा ऑलरेडी अब कंपनीज तो हमारे पास 100-150-200 साल से कंपनीज है इंडिया में, तो कंपनीज ऑलरेडी थी क्योंकि 1850 से कंपनीज बन रही ना, तुम सडनली 2013 में एक्ट लाए और मेरे को बोलते हो कल के कल सब लोग कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करेंगे, ऐसा होता है क्या मेरे को बताओ। अभी दिल्ली में रूल आ गया था बीच में, सुना आप लोगों ने कि ऑड एंड इवन वाला लॉ आया, उस पर कितने रिप्रिकॉशंस आए, सडनली डिमोनिटाइजेशन हुआ था ना, तकलीफ हुई थी सबको। जब भी कोई लॉ आता है और सडन अप्लाई होता है तकलीफ ज्यादा होती है, अच्छा कम होता है, तो लॉ को ना धीरे धीरे करके अप्लाई करना होता है, ऐसा इंजेक्शन हर जगह इंजेक्शन नहीं, कभी कभी क्या करते हैं डॉक्टर थोड़ी थोड़ी दवाई देते हैं, ये वैसा हुआ था 2014 एक अप्रैल से शुरू हुआ लेकिन डे वन से सारे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं थे, धीरे धीरे पीसमिल कुछ कुछ सेक्शन उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे वो अप्लाई करते थे वैसे वैसे वो सेक्शन अपने लिए एप्लीकेबल होते थे और हमारे सिलेबस में ऐड होते गए। वो टाइम पे हम सीए कर रहे थे, ये जब हो रहा था ये सब हम सीए कर रहे थे और हमारे पास यार अब ये क्या नया आ गया यार, 1956 पढ़ रहे थे पूरा नया एक्ट आ गया अभी, ऐसे किधर होता है, जो तुमको फील नहीं आ रहा अभी नया सिलेबस आ गया, जिंदगी अच्छी थी, ऐसा होता है होता है, ठीक है चलो कोई नहीं इसके आगे चलते हैं। सर इसके आगे क्या दिख रहा है आपको, अभी दिख रहे क्या देखो ऑनलाइन, अब आप देखो इसके नीचे क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी लिखा, अपने बुक का चैप्टर 1 क्या है, आई ला कोइंसिडेंस होगा, चलो ठीक है ये चैप्टर 1 ही चल रहा है, ये सब आपके सिलेबस का है, ये देखो ये पूरा है, ये पढ़ना है हमको, ये चैप्टर 1 है बेयर एक्ट में, यहां पे चालू हो रहा है चैप्टर नंबर 2, हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या था, सेम आ रहा है ना, पूरा सेम आएगा आखिरी तक, सिर्फ एक चीज गड़बड़ हो जाएगी हमारे इसमें, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है ना वो यहाँ पे उसका चैप्टर 11 नहीं है, वो यहाँ पे डाल दिया है ठीक है, क्योंकि वो नंबरिंग वरना गड़बड़ हो जाती थी। सर ये जो 1 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, जो मैं सर्कल कर रहा हूं, हाँ जी सेक्शन 1 होता है,
उसके बाजू में जो वन है ब्रैकेट में, फिर इसका मतलब क्या होता है? तो अगर मुझे इस लाइन को एड्रेस करना है तो कैसे करूंगा? सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन वन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलो लिख के बताओ, ये देखो सब सेक्शन, अब कभी भी सब सेक्शन बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना है, मैं जो लिख रहा हूं आपको ध्यान देना है, आपको आंसर लिखना है ना ब्रो? नहीं हो पा रहा, पानी नहीं पीले थोड़ा सा, ऐसे सो मत, अभी तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसे करेगा भाई, लिख ले थोड़ा सा, साथ में लिखो, चलो सब सेक्शन वन लिखो एक बार, आज तुमको मैं सेक्शन सब सेक्शन पढ़ना सिखाता हूँ। सर आता है हमको क्या? आता है ना, ये सबको आता होगा राइट? सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन वन ऑफ सेक्शन सेक्शन नंबर जब भी लिख लेना उस पर ब्रैकेट नहीं चाहिए, ब्रैकेट शुड ओनली बी ऑन सब सेक्शंस। कंपनीज एक्ट कभी नहीं लिखेंगे, द कंपनीज एक्ट 2013। द का टी कैपिटल, कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, और ये यूनिवर्सल है। मैं एक ही बार बताऊंगा, हर लॉ को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे लिखना है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में अगर हम ऐसा लिखेंगे तो जिंदगी में कभी पेपर खत्म नहीं होगा, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, कैसे लिख सकते हैं? सेक्शन वन सब सेक्शन वन, ये भी एक तरीका है लिखने का। अब आप मेरे को ये वाला लिख के बताओ, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, कैसे लिखेंगे जल्दी से? सब सेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सब सेक्शन थ्री को ब्रैकेट रहेगा, थ्री को ब्रैकेट रहेगा, ओके। और उसको शॉर्ट में लिखेंगे कैसे? सेक्शन वन अंडर ब्रैकेट थ्री, बहुत अच्छे। चलो थोड़ा नीचे आता हूं मैं, ये वाला देखो, ये वाला, ये कैसे लिखोगे शॉर्ट में बता दो, इस तरह से बराबर। अब ये ए कैसा लिखोगे? आपने कहा सेक्शन वन सब सेक्शन फोर, ये ऐसा लिखने का है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा भी नहीं चलेगा, ये दोनों गलत हो जाता है। इसका एड्रेस कैसा है? अब इसको टेक्स्ट में लिखना है तो क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन फोर ऑफ सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलो ठीक है, ये क्या है? ये तो कैसे लिखेंगे? सेक्शन टू नॉर्मल, और ये अभी कुछ बच्चों ने आया बराबर क्लॉज, ये सब सेक्शन नहीं है, ये क्या है? क्लॉज। अब आप कहेंगे क्यू, पार्शलिटी क्यू, जब भी यहां पे आपने देखा, मैं थोड़ा मिटाता हूं उसको, वन के तुरंत बाद टेक्स्ट चालू हुआ या डायरेक्ट नंबर आया? नंबर आया, फिर नंबर आया। यहां पर आप देखना सेक्शन टू में, यहां पर नंबर आया या डायरेक्ट टेक्स्ट चालू हो गया? उसके बाद उन्होंने नीचे नंबर डाला यहां पे, सो दिस इज क्लॉज वन ऑफ सेक्शन टू ऑफ, लिखना बेटा मेरे साथ, और इसको शॉर्ट में लिखना है तो कैसे करेंगे? सेक्शन टू क्लॉज वन, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन टू में ही ऐसा होने वाला है। कुछ एक्ट्स में डेफिनेशंस सेक्शन टू में दी होती है, कुछ एक्ट्स में सेक्शन थ्री में दी होती है, बट यूजुअली इन दो या तीन सेक्शंस में ही, जैसे जनरल क्लॉजेस में थ्री फोर में भी दी है, बहुत कम जगह पर ऐसे होता है। अब इसके अंदर आएंगे सब क्लॉजेस, जैसे ये देखो 11 बॉडी कॉर्पोरेट, अब ये कैसा लिखेंगे? सेक्शन टू क्लॉज 11, अब यहां पर सब क्लॉज में रोमन वन आ रहा है, रोमन टू, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सब क्लॉज वन, वो भी लिख के बताता हूं, नहीं तो वो आएगा नहीं तुम लोग को, ऑफ क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन टू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
चाहे तुझको रब बुलाए। अब यहां पे देखो ये क्या है क्लॉज 23 और ये ए क्या है सब क्लॉज ए। तो सर टेंशन नहीं लेने का, लिखने का सब क्लॉज ए इसको, ठीक है। ऐसे कितने डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना। ये देखो ये क्लॉज 51 उसमें सब क्लॉज 1 2 3 4 5, ऐसे टोटल कितने डेफिनेशन हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखो हाँ ध्यान से, ये सब आपको सिलेबस में कितने हैं, क्या आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर बस इतने ही है, इसका चैप्टर 2 शुरू होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। अभी आपको मैं कुछ अलग पूछता हूं। चलो ये वाला बता दो लिख के, सी वेरी गुड हर्ष साक्षी सुहानी मुस्कान बेटा, आपको सिर्फ सेक्शन ब्रैकेट में नहीं लिखना है, बाकी जो सब सेक्शंस होते हैं क्लॉजेस होते हैं ब्रैकेट में होंगे, सब क्लॉजेस भी ब्रैकेट में होंगे और अलग अलग ब्रैकेट चाहिए सबका, ठीक है। मुस्कान वेरी गुड सक्षम भाई, हुआ क्या तुम लोग का, कैसे लिखेंगे सेक्शन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 और शॉर्ट में लिख रहे तो सेक्शन 7 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट सी, अलग अलग ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब आपको ये सेक्शन सबसेक्शंस का लॉजिक समझ में आ गया, एक्ट आपको समझ में आ गया। ऐसे टोटल कितने सेक्शंस है कंपनीज एक्ट में, 470, इसमें से आपके सिलेबस में कितने हैं। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 148 तक हमारे सिलेबस में ऑडिट एंड ऑडिटर्स तक हो जाते हैं, उसके बाद कुछ 11 सेक्शंस ऐड होंगे, वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन इंडिया जो नया है उसकी वजह से, एलएलपी का मैं इसमें नहीं गिन रहा हूं, एलएलपी के अपने अलग है, ठीक है। उसके टोटल 81 सेक्शंस है बट उसमें 81 ओमिटेड है, तो 80 सेक्शंस उसमें है बट पूरे 80 सेक्शंस आपको नहीं दिए, इतना डरने की बात नहीं है ना। सर ये जो चैप्टर 1 था फिर चैप्टर 2 आया, ऐसे टोटल चैप्टर्स कितने हैं। वेरी गुड, यहीं पे दिया हुआ है आपके सामने सारा डेटा है कि पूरे 7 शेड्यूल्स है और 29 चैप्टर्स है। शेड्यूल्स क्या होते हैं, कुछ चीजें एक्ट के एंड में टेबल के फॉर्म में दी जाती है जिसमें बताया जाता है कौन से फॉर्म कौन सा प्रोसेस, जैसे आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल के टेबल्स दिए, कहाँ दिए, शेड्यूल्स में दिए हुए। आप बेयर एक्ट में देखेंगे, ये बेयर एक्ट है, अब इसको बैठ के स्क्रोल करना पड़ेगा 15 मिनट तक, लेकिन अगर आप इसके एंड में जाएंगे तो आपको शेड्यूल्स दिख जाएंगे, ये सारे जो है ना वो शेड्यूल्स आ जाते हैं। ये देखो ये जो है ना ये शेड्यूल्स है पूरे, ये शेड्यूल 7, ये आपको आप ये तो पढ़ा होगा शेड्यूल 7 अकाउंट्स में, ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, अच्छा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा कोई बात नहीं। ये अपना जो ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर है ना उसके अंदर सीएसआर आएगा तो उसको पढ़ाया जाएगा तुमको, ठीक है कोई बात नहीं। शेड्यूल 3 तो पढ़ा होगा, शेड्यूल 3 पढ़ा ना, क्या है उसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट, कहां से पता चला, कंपनीज एक्ट ने बताया, अकाउंट को थोड़ा पता था कैसे बनाना है, कंपनीज एक्ट ने बताया बैलेंस शीट कैसा दिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखना चाहिए शेड्यूल 3 में, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे शेड्यूल्स कितने हैं, 7, चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, एक्ट कितना है, एक ही है, ठीक। चलो सेक्शन 1 बात करता है, बोले शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल इसका प्यार से क्या बोलते हैं, अपने ऐसा रहता है ना घर का नाम अलग है कुछ, तो इसका प्यार से नाम है कंपनीज एक्ट, पूरा नाम क्या है द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे आज आज मैं द सी आदर्श जोशी ब्लेजर से बन गया ना, कल से हाफ पैंट में आ जाऊंगा तो कल मेरे आदेश आ गया ऐसे है भाई, इज्जत इज्जत उतनी मिलती है कपड़े पहन के आओ, जितनी ज्यादा कपड़े उतनी ज्यादा इज्जत, कल से मैं थोड़ा एक कोट वोट नहीं पहनूंगा, वैसे ही बड़ा गर्म हो रहा है यहाँ पे। हाँ अब देखो एक्सटेंड के आगे क्या लिखा है, होल ऑफ इंडिया, इंडिया किसने डिफाइन किया, इंडिया बोले तो क्या नहीं होता, तो तुम लोग वो सोशल साइंस वगैरह ऑप्शन में डाला था स्कूल में, इंडिया नहीं पता तुमको, इंडिया क्या है, किसने डिफाइन किया इंडिया को, अरे ताली बजा रहे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुना है, उसने इंडिया डिफाइन किया है, इंडिया बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वजह से।
अब उसके अंदर क्या क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन आएगा उसके अलग अलग एक्ट्स है, मैरिटाइम एक्ट्स है, उसमें आपको पता चलेगा, बट इंडिया ओवरऑल पता है ना आपको? माय गॉड, तो होल ऑफ इंडिया पे ये एक्ट लगता है। इंडिया क्या है जानने के लिए थोड़ी यूट्यूब वीडियोस देखिए अपने फ्री टाइम पे, मतलब ये तो बेसिक पता होना चाहिए कि अपना देश व्हाट इज इंडिया, नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, संविधान ने बताया, वेरी गुड गौरी सर। फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड बाई सीजी, मैंने आपको बताया था ना कि पूरा का पूरा एक्ट एक साथ कमेंस नहीं हुआ था, टू मच हो जाता था, टू मच, इसलिए थोड़ा 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 करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि आज ये वाले सेक्शंस लगेंगे, आज इन द सेंस आज से कुछ दिनों बाद, फिर उसके बाद ये डेट से ये वाले सेक्शंस लगेंगे, ऐसे करते करते लगाना चालू किया। क्या अभी पूरे सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए? अभी पूरे हो गए, 2013 से 14 से चालू है, अभी अपन 2024 में आ जाएंगे, तो मतलब डोंट वरी, सब हो गए, आ जाएंगे, इन द सेंस आ गए वैसे। ओके, अब एक सवाल, कंपनी एक्ट किस पे अप्लाई होता है? फाउंडेशन में पढ़ा था आप लोगों ने, याद है क्या? चलो फिर बताओ बिना देखे। हाँ, सारे कंपनीज में तो लगेगा सर, मैं लिख के दे सकता हूँ, कंपनीज एक्ट शुड अप्लाई ऑन ऑल द कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट 13 वाले चाहिए या पुराने भी चलेगा? ओके ओके, तो अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, और किस पे लगेगा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट के अंदर बने हुए, और कोई कंपनीज या कॉर्पोरेट जिनको स्पेसिफिकली नोटिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगेंगे बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आ गया ये, नोटिफाइड बाय सीजी में आया, तो इतने ही है बस। प्रॉब्लम क्या है, ये इंश्योरेंस का जो आप बोल रहे हो, इनके अपने खुद के एक्ट है, IRDA इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है, RBI का भी एक्ट है, तो फिर उनपे कंपनीज एक्ट भी लगा रहे हैं, उनके खुद के भी एक्ट लगा रहे हैं, झगड़ा हुआ तो जिसका जो एक्ट है, मतलब बेसिकली वो एक्ट स्पेसिफिक उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसको इज्जत दो बेसिकली, बस खत्म है, फिर खत्म है, ये टॉपिक खत्म हो गया। देखो सबसे पहले कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी 1850 से सारे दिखा दिए मैंने आपको। नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, अगर आपके IRDA एक्ट के अंदर या आपके इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कोई चीज भूली गई है जो हमारे कंपनीज एक्ट से मैच नहीं हो रही, तो हम किसको फॉलो करेंगे? बैंकिंग में भी सेम, कंपनीज एंगेज इन इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। अब ये भाई जो बोल रहे थे ना अपने पार्लियामेंट वाला, तो ये देखो स्पेशल एक्ट से अगर आप बने हो, नेक्स्ट बाय आप गवर्नमेंट, किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन नोटिफाइड। कुछ एग्जांपल्स दिए देखो, NHAI सुना है आपने, करते हैं ना, टैक्स पढ़ना चालू करोगे ना तो NHAI के बारे में और भी चीजें पता चलेगी। ओके, पहला सवाल MCQ के लिए अच्छा है, इज द कंपनी अ सिटीजन? यस और नो? यस कि नो? यस सिटीजन, बट वो कंपनी तो फिजिकल है ही नहीं ना, मतलब तो आर्टिफिशियल। अच्छा, सो भाई देखो, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, दो आर्टिफिशियल, आप इसको सिटीजन नहीं बोल सकते। सिटीजनशिप के लिए एक लॉ होता है, और लॉ बोलता है स्टे इन इंडिया, हाउ विल यू प्रूव स्टे इन इंडिया फॉर अ कंपनी, वो आर्टिफिशियल है ना, कैसे प्रूव करोगे कि वो इंडिया के अंदर है? बट हाउ कैन यू से दैट इट इज सिटीजन ऑफ इंडिया? सी, व्हेन यू बिकम सिटीजन यू कैन गेट टू वोट, तो कंपनी आती क्या वोट करने? क्यों, डू यू काउंट देम इन पॉपुलेशन? क्या इंडिया की पॉपुलेशन कंपनीज को पकड़ के है? उसके अलावा इतने गदर कर दिए भाई अपन कंपनीज को पकड़ लेगी तो क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, सोचो। तो भाई इट्स नॉट अ सिटीजन आइदर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंडर सिटीजनशिप एक्ट। ध्यान से, यहां पर आपने पहली MCQ मिस्टेक कर दी, वापस पूछ रहा हूं, इज अ कंपनी सिटीजन? जोर से बोलो, इज अ कंपनी सिटीजन? बट क्या कंपनी दोस्त और दुश्मन हो सकती है? वो कहां पढ़ा था हमने, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, केस लॉ था डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। क्या हुआ था वहां पे, वर्ल्ड वॉर का टाइम था, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी दो कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर भी और डेमलर भी, लेकिन डेमलर कंपनी को चलाने वाले ओनर्स कहां गए थे, जर्मन, और जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में क्या चल रहा था, तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये ना चल बे, मतलब ये नहीं चलेगा तो हम भाई उन्होंने पैसे नहीं दिए, मतलब टायर इंपोर्ट कर लिए, टायर मंगवा लिए, पैसे नहीं दिए, क्यों? बोलते ये हमारे एलियन एनिमी है, चलेगा?
इवन दो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इट कैन बी फ्रेंड और फोन. गुड गुड गुड. डज द कंपनी हैव नेशनलिटी और रेसिडेंस? सर अगर आप सिटीजन नहीं हो सकते तो क्या आपको नेशनलिटी रहेगी? आ जाओ पढ़ो. ये जो तुमने गप से आंसर देते ना तुम लोग, बहुत मजा आता मैडम. इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस. जुडिशियल डिसीजंस का मतलब जजेस ने अपने कोर्ट में ये फैसले दिए दैट अ कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन येट इट हैज अ नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस. हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि कंपनी सिटीजन नहीं है लेकिन वो हमारी दोस्त या दुश्मन हो सकती है. कब दुश्मन होगी? जब मैंने आपको बताया आपके पेट्रोनेज अगर उस कंट्री के साथ है जिसके साथ हम वॉर पे. तो कंपनी सिटीजन है क्या? सिटीजन है क्या? बट क्या नेशनल हो सकते हैं, रेसिडेंट हो सकते हैं? सर तभी तो फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट आया ना, वरना मैं फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट क्यों लाता. चलो ठीक है, तो हमारे कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आ गई. ये देखो इन कंसेप्ट में से आपको क्या क्या आता है. डू यू नो होल्डिंग कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी मतलब अब मेरे को बकरा या बकरी पकड़ना पड़ेगा. आंखों में आंखें डाल के देखो, मैं एक लकी विनर पकड़ूंगा. लकी विनर, लकी विनर, लकी विनर, लकी विनर. हाँ भाई आप. हाँ बता भाई. यस सर. होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी कंपनी जिसकी ठीक है वोटिंग पावर ज्यादा. हेलो किससे आ रहा है? हेलो 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 भाई. देखो मतलब उसका भी आवाज आना चाहिए थोड़ा. ऐसे दोस्त भगवान सबको दे. चलो एक चीज बता, होल्डिंग कंपनी बोल दो क्या? किसने बताया? खुद से पढ़ा है. तो पहले का आंसर तो कुछ अलग था भाई. माइक के बाद का आंसर तो चेंज हो गया भाई. सो होल्डिंग कंपनी में चाहिए कंपनी हैविंग सब्सिडियरी कंपनी. ठीक है तो अब आप पीछे पास करो, बताता हूँ. पीछे पास करो, मैं गाना गाऊंगा तब तक पास होते रहना चाहिए. चलो चाहिए 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 बस. भाई सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है? इसका आवाज ऐसा वो नहीं आ रहा. मैं बंटू घुमाऊंगा यहाँ पे तो बोलते रहे भाई. बोल भाई. हेलो. हाँ आया था बोलो. दैट इज माय वार्निंग कंपनी. उसके सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल करती है और वोटिंग राइट और देयर. होल्डिंग कंपनी क्या कंट्रोल करती है? बोर्ड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैपिटल. झुंड ने आंसर दे दिया. बहुत अच्छे पास करो. चल क्या गया बंद कर दे. मेरे को बता मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले तो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल करना मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपनी में 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो उसमें से कितने कंट्रोल में रहने चाहिए? कितना होता है बेटा 15 का? मिनिमम आठ, मैक्सिमम पूरे 15 चलेंगे. ठीक पास कर दो. हाँ मैम बताइए ये मोर देन वन ऑफ फाइव वोटिंग पावर मतलब क्या? 51 बोला था, दिल टूट गया था. मोर देन 50%. 50.01 चलेगा? 49.99 नहीं चलेगा. इक्विटी शेयर चाहिए या प्रेफरेंस में पकड़ेंगे? इक्विटी चाहिए होंगी. प्रेफरेंस पे नहीं पकड़ेंगे. कन्वर्टेबल रहे तो वो तो एसोसिएट कंपनी में दिया था, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. सर वोटिंग पावर बोला है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग पावर मिलता है? किसको मिलता है? अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग पावर मिल रहा है तो फिर उनको भी पकड़ लो. अब आप कहेंगे सर क्या प्रेफरेंस शेयर्स को थोड़ी ना वोटिंग पावर मिलता है. वेट फॉर शेयर कैपिटल डिबेंचर. आई विल टीच यू कब प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोटिंग पावर मिलता है. ठीक है वोटिंग पावर का 50% हमको चाहिए. बहुत अच्छे मैडम. आपके बाजू में जो मैम बैठे हैं वो बताएंगे आपको लेयर ऑफ सब्सिडियरी के बारे में. कुछ पता है लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी? नहीं पता, कोई बात नहीं. आप आगे पास कर दीजिए. पढ़ाया नहीं मैंने, सिर्फ मैं फाउंडेशन का नॉलेज चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कितना पढ़ाना पड़े. सर आपको पता है? नहीं पता. थ्री लेयर्स अलाउड है? नहीं. ऐसे लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी पता है क्या?
वो देखो थ्री अलाउड है वो तो गलत हो जाएगा, दो लेयर्स अलाउड है, कुछ कंपनीज को अलग अलग है। ये ऐसा देखो ना, ऐसा तुमको पढ़ाया गया होगा कभी लाइफ में, ए लिमिटेड हैज टू सब्सिडरी, है ना। अब ये इसके नीचे और हो सकता है क्या? अब मेरे को बताओ, ये है उसका फर्स्ट लेयर, ये हो गया सेकेंड लेयर, ठीक है, ये वाला, ये जो है ना, ये सेकेंड लेयर। मैक्सिमम कंपनीज को दो लेयर अलाउड होता है, कुछ कुछ कंपनीज इनको मोर देन, जैसे बैंकिंग कंपनी, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, आइडियली होना चाहिए था बट सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा इसमें बात करेंगे नहीं, लेकिन कुछ कंपनीज है फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग जिनको मल्टीपल लेयर्स, इससे ज्यादा भी लेयर्स अलाउड है, बट नॉर्मल कंपनी अब वो B1 के नीचे आप नहीं जा सकते, अलाउड नहीं। क्यों? चोरी बचाने के लिए, चोरों चक्के मवाली होते ना बहुत सारे लोग, वो ना हो इसीलिए। चलो ठीक है सर, आपके पीछे मैम जो बैठे उनको दे दो, दोनों मैडम है, कौन बलि का बकरा हो जाएगा। मैम एसोसिएट कंपनी के बारे में आप कुछ जानते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलने का पहले देखो, इसलिए मार्क्स कटते, क्या बोलेंगे? एनी कंपनी इन विच द होल्डिंग अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोले तो क्या वो आपके बाजू वाले मैम बताएंगे? मोर देन या मोर देन इक्वल टू? मोर देन, क्या मोर देन है? आर यू श्योर अबाउट इट? लेस देन तो नहीं बेटा, मोर देन इक्वल टू है। अब वो कहाँ आएगा आपको, मैं वो लैंग्वेज लाना चाहता हूँ एटलीस्ट का, वो वर्ड एटलीस्ट नहीं आया इसलिए गड़बड़ हो गई, एटलीस्ट आया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। कोई बात, मैं बैठा हूँ इधर, आप श्योर है 100%? ये डेटॉल का ऐड है क्या? एक किताब में छोड़ दिया। चलो ठीक है, ये भी सही है। अरे कहाँ गया भाई, क्लॉज 6 है ना मैडम, आपने कौन सा क्लॉज बोला था? क्या है देखो, वर्ड एक कुछ वर्ड है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, ये देखो कुछ वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखा? अब आप देखो लॉ कैसी चीज है, ये चीज कब से पढ़े हम लोग, और ऐसा ये सबसे छपरे कंसेप्ट्स में आएगा फाउंडेशन में, और कितनी छोटी सी चीज जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया। अब आप बताइए 20% आता है एग्जैक्ट, अगर 20% है तो क्या एसोसिएट कंपनी है कि नहीं है? मोर देन 20% बोल दिया तो क्या हो जाता? 20% वाला बच जाता है, बचाना है क्या हमको? ठीक है मैम, वेरी गुड, आपके पीछे में दे दीजिए। ओके मैम, आप मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आप टैलेंटेड लग रहे थे मेरे को इसलिए। किसको दिया भाई वो, किधर है? पीछे ना, वो तो छुप गया सर। मैम प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सर मैं 1% कंपनी प्रिपेयर करके बैठी थी यार। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अचानक से मैं क्या बोलूं, अपना नाम बता दो चलो पहले। भूमि, भूमि, देखो वर्षा ने आंसर दिया ऑनलाइन, अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, क्या ये आंसर करेक्ट है? रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड यू विल गेट 0 marks फॉर दिस वर्षा। प्राइवेट कंपनी के 3 rules है, ठीक है, हाँ बताइए मैम। थोड़ा सा मैं बोल दूं तो याद आ जाएगा, फिर तुमने क्या किया उसमें? अच्छा अच्छा, देखो पहला भी पॉइंट है ना मैम उसमें, इट इज विद रिस्पेक्ट टू दैट वो विच हैज अ प्रिस्क्राइब कैपिटल लिमिट, पहला पॉइंट लिमिट प्रिस्क्राइब कैपिटल। हाँ वो पता है, हाँ सो एक्सेप्ट ओपीसी विच रेस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, बराबर है प्राइवेट कंपनी में, वो 200 में कौन आता है कौन नहीं आता है पता है? तो एक्स एम्प्लॉयज नहीं आते, एक्स पहले याद आया, नहीं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज आते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।
पास शेयर होल्डर को इंक्लूड नहीं करते, दे दो मैडम माइक, दे दो किसी को कहीं मेरा लॉ ना चला जाए कल चलो पास करो चल छैया छैया करें क्या सारे इश्क की जो चले छैया छैया सारे इश्क की। अरे हाँ भाई पहले पकड़ ले सवाल तो सर मेरे को ही पकड़ रहा है भाई, बता दे यार तू बता दे प्लीज वही प्राइवेट कंपनी का सब प्राइवेट कंपनी लगाई लेना मतलब लिए ही आता था रिस्ट्रिक्शन रखती है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स भी 200 ओके और क्या कहते हैं जो जिन जो जॉइंटली शेयर होल्डर कर रहे हैं वो एक वन सिंगल जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक सिंगल पकड़ेंगे एम्प्लॉइज को एक्स एम्प्लॉइज जिनको शेयर तब दिए गए थे जब वो एम्प्लॉइज थे काउंट करेंगे नहीं काउंट करेंगे बहुत अच्छा अमेजिंग मेरे को बताओ क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं रॉन्ग हो सकते हैं बट पहले आंसर क्या दिया तुम लोगों ने कि छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे ना प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन है क्या नहीं प्रोहिबिशन किस चीज का है कंपनी में इनविटेशन टू सब्सक्राइब टू इट सेक्यूल पब्लिक एट लार्ज से वो पैसा नहीं ले सकते बट शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं रूल्स फॉलो करके कर सकते बहुत अच्छी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहे हैं तो मेरे को लगता है ना सामने सामने थोड़ा डर लग रहा है बच्चे यहाँ तो फटाफट लिख रहे हैं गुड गुड एक ना ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन भी करने वाला हूँ मजा आएगा डिबेट करेंगे पूरा दिन में खाली बैठ के मुझे दूंगा तुम लोग चलो भाई तू पास कर किसी को हाँ भाई आप बताओ ले प्ले रिपल मैं लूंगा मैं लूंगा अभी दे उसको भाई 1% कंपनी के बारे में कुछ बताओ यार खेल चलिए बताओ अब बता रहे आपको लो तो क्या होता है जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता है ओके और उसके बारे में कुछ जानना चाहे मतलब है कुछ पता फूका रही तेरी आवाज जितने कॉन्फिडेंस से फूका रही उतने कॉन्फिडेंस से बोलना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी बोल भाई बनवेल निकल रहा है ऐसे में क्या कर रहा है बोल ना भाई तो मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ कृपया करके आप हमें बताइए मालिक प्रभु अच्छा क्या 1% कंपनी में जो आपने कहा ना जिनका एक ही स्वामी होता है वो स्वामी कौन हो सकता है हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ 1% कंपनी पीछे दे दो माइक ओनली नेशनल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडिंग इन इंडिया और द यूएस ऑफ क्या यहां पर कोई अमेंडमेंट थी यस सर क्या आ गया अब अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज अब एक एनआरआई भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि अमेंडमेंट आ गया तो अब आपको रेसिडेंट का जो पॉइंट बोले वो अब नहीं बोलना है पक्का श्योर आप अटेंडेंट कितने ओबीसी ओपन कर सकते हैं एक कितने ओबीसी में नॉमिनी रह सकते हो क्या मैं एक में मेंबर और एक में नॉमिनी रह सकता हूँ हाँ और अच्छा आप एक में मेंबर हो एक में नॉमिनी हो जिसमें नॉमिनी थे उसका जो मेंबर था वो टपक गया अब आप क्या बन गए दोनों में मेंबर ये गड़बड़ हो गई इसको भी करेक्ट करने के लिए दिया गया कितना समय 182 डेज आपको याद नहीं होगा मैंने बता दिया ये सारी चीजें डिटेल में वैसे अभी चेक करा फाउंडेशन का कितना नॉलेज अभी है ताकि मेरे को समझ में आए है ना चलिए क्या एक ओबीसी ओवरऑल कोई भी आंसर देगा जल्दी से वक्त हमारे पास कम है क्या एक ओबीसी किसी और कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकती है हाँ या ना फटाफट बोलो कैन एन ओबीसी इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी आंसर इज नो आंसर इज क्या एक ओबीसी किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है कैसे सर अभी उसने क्या बोला कितने स्वामी है अब एक ही स्वामी है 100% उसी के पास रहेगा ना 1% कंपनी है ना तो किसी और की सब्सिडियरी कैसे होगी करेक्ट चलो और भी कुछ बातें हैं ओबीसी के बारे में हम लोग उस पर और चर्चा करेंगे आज का हमारा समय बहुत ही कम बचा है 7 मिनट है ओवरऑल में मुझे पता चला कि फाउंडेशन का नॉलेज है ठीक ठाक है थोड़ा सा उस पर एडअप करना पड़ेगा है ना थोड़ा उसमें एडअप करना पड़ेगा ये याद है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वगैरह व्हाट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर व्हाट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी इन केस ऑफ गारंटी कंपनी सर आप क्या पूछेंगे कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है अगर है तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर प्लस अमाउंट ऑफ गारंटी और नहीं है शेयर्स तो
अनलिमिटेड कंपनी में, गारंटी कंपनी में पैसा कब मंगाया जा सकता है? शेयर लिमिटेड शेयर में कब मंगाया जा सकता है? जिनको ये कुछ भी याद नहीं आ रहा है, डरना नहीं, ये सब पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी टेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी कुछ मिनट है, देयर इज नो पॉइंट इन स्टार्टिंग अ कांसेप्ट, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ओके चलिए, गवर्नमेंट कंपनी किसे कहा कह जाता है? कौन किसके पास है माइक? हाँ आगे करना पास को अभी चलिए चलिए इतना नींद लिया भैया, बोलना पड़ेगा। बोले गवर्नमेंट कंपनी जिसके मोर देन 51% गवर्नमेंट होल्ड करती है। मोर देन 51 है? नहीं 51 है, 51 और मोर, ऐसा है? ठीक है ओके। व्हाट अबाउट सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? चलो आप बाजू में दे दो भाई, पब्लिक कंपनी बता दो थोड़ा, पब्लिक कंपनी इजी। चलो ठीक है, फिर कल हम लोग यही सब चीजें जो टाइप्स ऑफ कंपनी हमने करा है यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज सबसे अच्छा डेफिनेशन मेरे को पब्लिक कंपनी का लगा, इसमें यूनिकनेस है ना थोड़ा, उसमें चार्म है उसमें डेफिनेशन। अभी तक जिसने आज अपन ने जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? छोटा सा होमवर्क तो करोगे, दो चीजें मैंने आपको, एक तो ऑलरेडी मैंने रिसर्च करने बोला था, किसी को याद है क्लास के अंदर एक चीज बोला था रिसर्च करना, थोड़ा सा नहीं पता, इंडिया रिसर्च करो, इंडिया एटलीस्ट इंडिया पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। होमवर्क लिखो पहले इंडिया, सेकेंड होमवर्क है तुमको बेयर एप डाउनलोड करना है, कहां से करोगे? कहां से करोगे? ई गैजेट से थोड़ा ना होगा, एक वेबसाइट है जो मैं हमेशा आपको लेकर जाऊंगा, कौन सी है वो? एमसीए में एक्ट्स एंड रूल्स दिख रहा है, एक्ट्स एंड रूल्स थर्ड, अभी हाँ दिखा ना, उसके अंदर यहाँ एक्ट्स पे क्लिक करोगे तो सारे एक्ट्स हैं। इसमें तुमको दो एक्ट्स डाउनलोड करनी है, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट, कर लोगे? मेरे को कल आप एलएलपी एक्ट का भी बताना, वही दो तीन चीजें, टाइटल एक्सटेंट प्रीएम्बल और डेट ऑफ नोटिफिकेशन और डेट ऑफ प्रेसिडेंट का एस, ये दो चार चीजें आप मेरे को बताओ, जैसा आपने आज सेम कंपनीज का किया, दो एक्ट सेव करके रखना अपने पास, क्योंकि हमको क्लास में बार बार वह है देखनी होती है। सो बस दैट इज इट, एंड आई होप एवरीवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो डज द होमवर्क, ऐसा नहीं कि होमवर्क सिर्फ फेस टू फेस वालों के लिए, और ऐप पे वेब ब्राउजर पे जहां कहीं पर भी आप लोग मुझे देख रहे थे धन्यवाद, सुबह सुबह आप लोगों ने हमें इतना ज्यादा टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यू बीन वेरी पेशेंट, स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा टेक्निकल जंबलअप हो गया, बट यू गाइस वर पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई होप यू गाइस एंजॉयड, यू गॉट लर्न समथिंग, बुक्स विल बी डिस्पैच एएसएपी, एंड सर यहाँ पे बुक्स आज 5 बजे क्लास के बाद, तो आई थिंक सभी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ओके थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, साइनिंग ऑफ सीआर रजिस्ट्रेशन, थैंक यू।